यार मैं सेल्स फोर्स में हूँ, मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, ऑटोमेशन में जाना है यार, लेकिन बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। डोम का इशू आ रहा है, एक्सपाथ का आ रहा है, अभी एक नई रिलीज आ गई, फिर दोबारा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मल्टीपल चैलेंजेस, इंटीग्रेशन के चैलेंजेस हैं, बहुत सारे हैं। तो मेरे को पहली चीज ये बताई गई थी कि आप डायरेक्टली किसी फ्रेमवर्क पे मत जाओ, बिकॉज आप फ्रेमवर्क पे जाओगे तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट मिस करोगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए। तो मेरे को ये बोला गया था कि आप सेलिनियम जाओ, आप लोकेटर्स एक्सप्लोर करो। जब मेरे को समझ आया था कि आप कैसे हैंडल कराते हो, आपको पता नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा कि सब कुछ सही है। क्योंकि अब जब आप एज अ टेस्टर, एज अ ऑटोमेशन टेस्टर जब इंडस्ट्री में आते हो, तब तो आपको समझ नहीं आता कि चीजें क्या हो रही है। आई फ्रेम का आपको सुना भी नहीं होता है। बट एक प्रोजेक्ट ऐसा आया था जहाँ मेरे को बोला गया था कि नहीं, आपको पोस्टमैन पे नहीं करना है। पोस्टमैन इज लाइक ओल्ड, अभी पोस्टमैन पे सारी चीजें हो जाती है एग्री, लेकिन वो ऑटोमेशन पार्ट नहीं होता, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग पार्ट होता है। उसमें हम ऑटोमेशन कुछ नहीं यूज कर रहे, वो लिटरली वो प्रोजेक्ट जब डिलीवर हुआ तब सिर्फ हमारे को ही बोला गया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन टीम हैज हैंडल दैट लेवल ऑफ डेटा। और वो डेटा कैसे हैंडल हुआ, सिर्फ आप एक पॉइंट कहोगे कि मैंने ये चीज ऑटोमेट करी, वो हर कोई कर लेगा, बट आपने क्या कंट्रीब्यूट करा एज अ पर्सन उस प्रोजेक्ट में। प्रोफाइल लेवल पे आपको चीजें पता होनी चाहिए क्या होता है, कैसे हम एक्सेस, सिक्योरिटी लेवल के जो सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं हमें वो जानना चाहिए। देखो सुपरवाइजर्स ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी टर्म है, मेरे खुद के दो सुपरवाइजर्स हैं, मैंने दो करे हैं। जब आप उस पर स्टार्ट करना करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज है। आपका माइंडसेट सिर्फ उस टाइम पे, अगर आप टेस्ट ऑटोमेशन के माइंडसेट से जाओगे ना, हाय जय, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी मच वेलकम टू माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग। आई हाउ आर यू? थैंक यू सो मच जनरल फॉर इनवाइटिंग। मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। एंड छोटा सा डिस्क्लेमर हर बार ऑडियंस को कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। यार मैं सेल्स फोर्स में हूँ, मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, ऑटोमेशन में जाना है यार, लेकिन बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। डोम का इशू आ रहा है, एक्सपाथ का आ रहा है, अभी एक नई रिलीज आ गई, फिर दोबारा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मल्टीपल चैलेंजेस, इंटीग्रेशन के चैलेंजेस हैं, बहुत सारे हैं। चीजें छोटी छोटी ऑटोमेट कर पा रहा हूँ, बट जहां बड़ी चीजें आती हैं, जहां फ्लो थोड़ा सा और कह सकते हो कि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ऑटोमेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। सो इन दिस पॉडकास्ट हम ऑटोमेशन में जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, एक सेल्स फोर्स टेस्टर को जब वो ऑटोमेशन की तरफ अपनी राह को निकलता है, तो उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। एंड जय, यू आर द परफेक्ट वन जिसने ऑटोमेशन में ये चैलेंजेस को फेस किया एंड ओवरकम कैसे किए। सो इन दिस पॉडकास्ट हम सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग समझेंगे कि कैसे जो चैलेंजेस आ रहे हैं ओवरकम कैसे करना है, व्हाट इज द राइट अप्रोच। सो विदाउट फर्दर डिले मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पर हम जंप ना करें। जय, आप अपने जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस के साथ एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी। सो ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच। तो ओवरऑल आई हैव 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने मेरी जर्नी है तो फंक्शनल टेस्ट पे स्टार्ट करी थी, स्टार्टिंग 6 मंथ मैंने फंक्शनल टेस्टिंग करी थी। देन आई हैव स्टार्टेड गोइंग थ्रू द ऑटोमेशन। जब मैं ऑटोमेशन गया तो मेरे को पहली चीज ये बताई गई थी कि आप डायरेक्टली किसी फ्रेमवर्क पे मत जाओ, बिकॉज आप फ्रेमवर्क पे जाओगे तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट मिस करोगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए। तो मेरे को ये बोला गया था कि आप सेलिनियम जाओ, आप लोकेटर्स एक्सप्लोर करो, आप सेलिनियम में कितना डीप डाइव जा सकते हो आप वो जाओ। तो मैंने वहां से जर्नी स्टार्ट करी थी और मैंने सेलिनियम पे बेसिक करना स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद फिर मैं बहुत क्लोजली, मैंने क्लाइंट के साथ भी काम किया था, मतलब मैं तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था उस टाइम पे, और मैंने बहुत क्लोजली क्लाइंट के साथ काम किया था। ठीक और है। क्लाइंट के साथ काम करते करते जब आपको बेसिक स्टार्ट होता है, जब आप सेलिनियम, मतलब सेलिनियम की अंडरस्टैंडिंग आती है, आपको एक्सपास की अंडरस्टैंडिंग आती है, आपको लोकेटर्स की अंडरस्टैंडिंग आती है, तब आप फ्रेमवर्क पे मूव होते हो। तब मैं फ्रेमवर्क पे मूव हुआ था। और जब फिर मैं बीडीडी, मैंने बीडीडी पे स्टार्ट किया था ना, मैं करेंटली अभी भी मैं बीडीडी पे ही काम कर रहा हूँ। तो मैंने फिर बीडीडी पे स्टार्ट किया था। बट जब आप बेसिक से जाते हो और फिर आप बीडीडी पे मूव होते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता होती है, रेदर देन आप डायरेक्टली आप बीडीडी पे जाते हो। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे क्लाउड्स पे काम किया। अगर सेल्स फोर्स की टर्म की बात करें तो हमने हेल्थ क्लाउड पे काम किया है, मार्केटिंग क्लाउड पे काम किया है, एक्सपीरियंस क्लाउड पे काम किया है, सेल्स क्लाउड और सर्विस क्लाउड पे मैंने बहुत थोड़ा बहुत काम किया है। सो दिस इज माय जर्नी वेयर आई स्टार्टेड। और अभी भी मैं एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ और हम पब्लिक सेक्टर डोमेन पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। सो दिस इज माय जर्नी लाइक हाउ आई स्टार्टेड एंड कहाँ पे अभी पहुंचा हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। सो मैनी कह सकते हैं क्यूरियस क्वेश्चन निकल के हैं जर्नी में। सबसे पहले फ्रेमवर्क पे डायरेक्टली जंप नहीं करना, बेस कॉन्सेप्ट्स को फोकस करना, उसके ऊपर आएंगे। फॉलोड बाय बात किया मल्टीपल क्लाउड्स में काम किए, तो जाहिर सी बात है हर क्लाउड का अपना एक अलग चैलेंज टेस्टिंग परसेप्शन से आने वाला है। और जब एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो वो तो एक अलग ही चैलेंज आने वाला है, जब आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट होते हैं और चीजें दिखती हैं कि क्या है, और साथ में अगर फिग्मा वाली स्क्रीन आ जाए
जब फिग्मा के अकॉर्डिंग चलना है फिर तो भूल ही जाओ कि भैया क्या क्या होने वाले। सो वन बाय वन चलते हैं। आपके 5 साल की जर्नी में सबसे बड़ा ऑटोमेशन का चैलेंज क्या आया था, जब आपने फ्रॉम डे वन स्टार्ट करने का सोचा था कि मैं सेल्सफोर्स टेस्टिंग में ऑटोमेट करता हूँ, मैं वहां से जानना चाहता हूँ, देन मैं प्रोसीड करूंगा फिर फर्दर क्या वो कैसे कैसे चैलेंज से। देखो, आप जब सबसे पहले सेल्स फोर्स पे जाते हो तो सेल्स फोर्स खुद की एक सिक्योरिटी लेके आता है, तो ठीक आप है डायरेक्टली तो आप ऑटोमेट कर ही नहीं पाओगे। पहली चीज, आप सबसे पहला जो चैलेंज आता है, आप उस मल्टी फैक्टर को कैसे हटाओगे। फर्स्ट चैलेंज ये आएगा, आप जैसे ही आपने लॉग इन पेज आपने कर लिया, आपने एक्सपैंड कर लिया, आप हिट कराओगे, आप नहीं करा पाओगे। अब अगर आप किसी और पे काम कर रहे हो तो आप उसको रिमूव करा सकते हो, आईपी रेंजेस सेट करा सकते हो। बट अगर मैं प्रोजेक्ट की टर्म में बात करूँ तो प्रोजेक्ट पे आप ये नहीं करा सकते, तो जी फिर आपको परमिशन बनाने होते हैं। वो बहुत से लोगों को नहीं पता होते, बहुत से लोग क्या करते हैं, सीधा जाकर आईपी रेंजेस हटा देते हैं, और बिल्कुल दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस फॉर आई बिलीव। आपके पास ऑप्शन है, आप सेल्सफोर्स पे काम कर रहे हो, आपके पास परमिशन सेट के ऑप्शन रहते हैं। यू कैन बिल्कुल सेट अ परमिशन सेट, आप परमिशन सेट सेट करो, आप उसमें अपने यूजर को, स्पेसिफिक एक यूजर को आप अपनी परमिशन दो, आप उनसे रन करो। फर्स्ट चैलेंज ये आएगा। नेक्स्ट चैलेंज, आप सेल्सफोर्स पे काम कर रहे हो, आप दूसरी नेटिव एप्लीकेशन पे काम नहीं कर रहे हो, जहाँ पे एक आईडी होती है और एक सीएसएस होते हैं, एग्जैक्टली वहां से आप एक्सपायर चेंज करा के आप किसी भी कुछ भी चला लोगे, आपके पास स्पेसिफिक आईडी आपका चलेगा। सेल्सफोर्स में ऐसा नहीं होता, डॉम इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतने नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं, आपको डायनामिक एक्सपायर जो कोर कॉन्सेप्ट हमें सिखाया जाता है, जब भी आप ऑटोमेशन एंटर होते हो सेल्सफोर्स ऑटोमेशन में स्पेसिफिक, आपको एक्सपायर बनाना आना चाहिए, आपको डायनामिक एक्सपायर बनाना आना चाहिए। और डायनामिक भी ऐसा होना चाहिए कि आपका अगर कुछ भी कोई सा भी अपडेट आता है, सपोज करो हम कस्टमाइजेबल पे काम करते हैं, मोस्टली कस्टमाइजेशन होता है, और आप जैसे ही अगर आपका कस्टमाइज होगा, अगर आपका डायनामिक नहीं होगा, आपका सेल्स एक्सपायर ब्रेक हो जाएगा, आपका फ्लो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, और आप मोस्टली जो भी अपना टाइम वेस्ट करोगे वो एक्सपायर को मेंटेन करने पर पे करोगे। तो ये एक चीज होती है कि ये एक चैलेंज आता है कि जब भी आप अपने एक्सपायर को आप ऐसा रखो डायनामिक कि आप कहीं पे भी अटको नहीं, अगर आप यूज कर रहे हो, अपना फ्लो चला रहे हो, तो एटलीस्ट आप एक्सपायर की वजह से फेल नहीं हो। ठीक है एक्सेप्शनल हैंडलिंग में बात करूंगा, अगर आप सेलिनियम का क्लिक देखोगे, बहुत सी जगह नहीं चलता, तो लोग अटक जाते हैं, लोग अटक जाते हैं। आप उसको एक्सेप्शनल हैंडलिंग में आप जावास्क्रिप्ट भी नीचे लगा सकते हो, इवन एक्शन से भी आप क्लिक करा सकते हो। तो ठीक है इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग आप इन चीजों से ऐसे ओवरकम कर सकते हो, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में हैंडल करा दो। अगर ओके आपका क्लिक एलिमेंट नहीं चल रहा, आपका दूसरा मेथड चलना चाहिए, आपका दूसरा नहीं चलता, तीसरा चल रहा है, बिकॉज सेल्स फोर्स है, आपकी बहुत सी चीजें नहीं चलेंगी। आपका बिल्कुल नेटिव एप्लीकेशन वाली चीजें होती है, वहां पे आप सीधा आईडी पे डलवाओगे, क्लिक एलिमेंट डेफिनेटली चलेगा। पिक लिस्ट की बात करूंगा मैं, जब आप पिक लिस्ट की वैल्यूज फाइंड आउट करते हो, आपको इस बात नहीं मिलता, दैट इज द हार्डेस्ट चैलेंज जो मेरे को पर्सनली फील होता था, कि क्योंकि वहां पे उसको स्क्रीन को स्टॉप कराना होता है, हाँ देन यू हैव टू फाइंड द स्पॉट, तभी आप एक बार फाइंड कर पाओगे। आप रैंडमली जाके हिट कराओगे, वो आपका एक बार चल जाएगा, दूसरी बार नहीं चलेगा, क्योंकि वो डॉम चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल दैट इज द बिगेस्ट चैलेंजेस आई हैव फेस। उसके बाद ओके अगर हम बात करें आई फ्रेम्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई फ्रेम्स। यस मतलब मेरे को बहुत टाइम लगा था, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जब मेरे को समझ आया था कि आप कैसे हैंडल कराते हो, आपको पता नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा कि सब कुछ सही है, क्योंकि अब जब आप एज अ टेस्टर, एज अ ऑटोमेशन टेस्टर जब इंडस्ट्री में आते हो, तो आपको समझ नहीं आता कि चीजें क्या हो रही है। आई फ्रेम का आपको सुना भी नहीं होता है, आपको लगेगा आपका एक्सपायर सही है, आप चेक करोगे डोम में, आप करोगे सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो किसी आई फ्रेम के अंदर होगा, तो आपको फ्रेम स्विचिंग कराना आनी चाहिए। तो ठीक है दीज आर द चैलेंजेस तो मैंने मेरे इनिशियल डेज में बहुत ज्यादा फेस करे थे। ओके। काफी सारे चैलेंजेस की बात हो, या पूरा HTML के बेस कॉन्सेप्ट्स पे आई फ्रेम के टॉपिक पर भी लेके गए हो, वो भी समझ आ गया। आपने डोम के ऊपर बात किया, वो भी समझ आ गया, जिसके लिए जब हमने शुरुआती दिनों में गीक्स पर गीक्स पे जाके हम पढ़ते थे, वो डोम वाला जावा टी पॉइंट पे जाके पढ़ते थे, तो वो मेमोरीज आई। यानी कि कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमने बात करी, और कोर कॉन्सेप्ट्स में कौन कौन सी चीजें ब्रेक होती हैं। इनिशियल लेवल पे ब्रेक इसलिए होती है क्योंकि हमें समझ नहीं आती है, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। जब ओवरकम कर पा रहे हैं तो वो ब्रेक नहीं है, वो एक लर्निंग बन जाती है। यहीं से थोड़ा सा चलते हैं। आज के टाइम पे सेल्सफोर्स टेस्टर से सबसे बड़ा ये डोम के अलावा ना, एक और सबसे बड़ी चीज पूछी जा रही है रिलीजेस के ऊपर, क्योंकि रिलीजेस कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हैं, बट टेस्टर के लिए थोड़ा सा एक चैलेंज हो रहा है कि रिलीज अभी जैसे विंटर 25 आ गया, तो थोड़ा सा जो ऑटोमेशन वाला है चीजें वो हिलने वाली है। तो इसके ऊपर आपका क्या कॉल है, एक टेस्टर जो ऑटोमेशन में कर चुका है, 1.5 साल हो चुका है, तो उसे रिलीजेस का भी पता चल गया कि सेल्सफोर्स की 3 रिलीज आ रही है, समर विंटर स्प्रिंग, और रिसेंटली इसी वीक हमारी विंटर 25 की रिलीज भी आ गई है। तो अब यहाँ से हमारे को ये तो पता चल गया क्या चीजें नहीं आई हैं, क्या चीजें वापस चली गई हैं जो उन्होंने सेल्सफोर्स ने वापस ले लिया। अब यहाँ पर टेस्टिंग को लेकर जिस पर्सन का 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसे ये तो पता चल गया रिलीजेस क्या होती है, रिलीजेस क्यों आती है क्लियर है, बट टेस्टिंग परसेप्शन से कुछ ना कुछ जो चैलेंजेस आ रहे हैं रिलीजेस को लेके, वो किस तरीके से उनको ओवरकम कर पाएगा, और वो कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं रिलीज के बेसिस पे, मैं इसके ऊपर आपका पूरा बोल्ड परसेप्शन जानना चाहता हूँ।
देखो रिलीज में डेवलपर का कोई रोल नहीं होता, सबसे ज्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल ऑटोमेशन टेस्टर और टेस्टर का। ठीक है, हाँ जब रिलीज आती है तो बेसिकली डॉम चेंज हो जाता है, मोस्टली हाँ जो चीजें चेंज होती है डॉम चेंज होता है, आपको मेंटेनेंस वापस करना पड़ता है। बिल्कुल तो अब पॉइंट आता है कि जब आप एक्सपायर ऐसे लिखोगे जहां से वो ब्रेक होगा, वो क्यों ब्रेक होता है, क्योंकि आपका डॉम चेंज होगा। आपका डॉम क्यों चेंज होगा, क्योंकि आपका एक्सपायर वो वाला नहीं है। आप डायनेमिक एक्सपायर, जो बेसिकली डायनेमिक एक्सपायर होती है, दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ डबल स्लैश में जाके एक्सपायर लिख दिया, आपने इतना बड़ा सारा एक्सपायर लिख दिया, दैट इज नॉट डायनेमिक एक्सपायर। आपको उस वे में सोचना होगा कि आपका एक्सपायर कैसे होता है। मतलब मैंने लिटरली, मैंने खुद ने भी ये मिस्टेक्स करी और मैं उससे सीखा हूँ। डायनेमिक एक्सपायर की हम डबल फॉरवर्ड डबल स्लैश यूज कर रहे हैं और वो डायनेमिक एक्सपायर हो रहा है, नहीं ये नहीं नहीं है होता। आपको उस वे में थिंक ऑन करना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई भी रिलीज आती है, क्योंकि ये पता है अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर काम कर रहे हो तो आपको पता है कि 3 रिलीजेस आनी ही आनी है, बिल्कुल आनी आपको डे वन से पता होता है। तो आप अपना एक्सपायर इतने डायनेमिकली लिखते हो कि आपका वो रिलीज उसको ब्रेक नहीं करे। आप अगर ये अप्रोच फॉलो करोगे तो 80% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 20% मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपकी 20% आपको मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा एनी ठीक हाउ। तो अब जो 20% हमें मेंटेन करना है वो आपको देखना ही पड़ेगा। वो 20%, वो 20 से 30 भी वेरी हो सकता है। वो डिपेंड्स अप टू कि आपका कितना मेंटेनेंस है, आपका कितना रिग्रेशन, आपने कितना मेंटेन कर रखा है, आपकी स्क्रिप्ट जो है वो कितनी स्केलेबल है। तो ये चीजें ध्यान रख के आप बहुत सारी चीजें हैंडल करा सकते हैं थ्रू आउट दिस रिलीज। तो आपको रिलीज की दिक्कत नहीं होगी कि आपने रिलीज आ गई, अब आपको आपका 100% से 20% ही मेंटेन करना पड़ेगा। दैट वो आप किसी भी कोई भी फ्रेमवर्क यूज करो, वो आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो 80% चीजें आप अपनी रिड्यूस करा सकते हो, 80% आप अपने जो एफर्ट है उनको सेव करा सकते हो मेंटेनेंस साइड पे ज्यादा ना लगा के। तो इस तरीके से हम बहुत सी चीजें हैंडल करा सकते हैं जब आपके पास डिफरेंट रिलीजेस आते हैं। और 3 रिलीजेस हमारे पास आनी है, हाँ वो फिक्स है। आप कैसे अपने एफर्ट को सेव कर सकते हो, आप अपनी स्क्रिप्ट कितनी मेंटेन कर सकते हो, आप कितनी रीयूजेबिलिटी चीजें होती है, रीयूजेबिलिटी आप कैसे यूज करा सकते हो अपनी स्क्रिप्ट में। तो इट्स डिपेंड अप टू यू कि आप किस तरीके से आप इस पर काम करोगे। तो ये मेरा सजेशन है इस पे। परफेक्ट है। मतलब रिलीज को तो मुझे मेक श्योर करना ही है कि वो आनी ही आनी है, उसमें तो कुछ है नहीं। उससे पहले हम कितने प्रिपेयर्ड हैं अपनी चीजों को लेके कि क्या करना है कि किस तरीके से। दूसरा मैं थोड़ा सा और इसमें डीप डाउन जाऊंगा कि होता क्या है कि जब हम ऑटोमेशन चैलेंजेस की बात करते हैं सेल्स फोर्स में, रिलीज वाला हो गया बट मल्टीपल क्लाउड्स के ऊपर बात होती है। एक्सपीरियंस क्लाउड का अलग है, एक वेबसाइट जैसी फीलिंग, सर्विस क्लाउड में केसेस वाली चीज होगी, सेल्स क्लाउड में आपका लीड कॉन्टेक्ट वाला कन्वर्जन हो गया, उसके अंदर टास्क आ गए, एक्टिविटीज आ गई, बहुत चीजें होती हैं। बट इन सब में क्या क्या चैलेंजेस हैं? मतलब जैसे आपने अपने बताया कि आपने विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स आपने मल्टीपल क्लाउड्स में किया, और जाहिर सी बात है मल्टीपल क्लाउड्स में अलग अलग ऑटोमेशन किया होगा, ऑल द प्रिंसिपल सेम रहते हैं बट चैलेंजेस डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो क्या थे डिफरेंसेस जो आपको लगता था कि वो चीजें अलग से नजर आती हैं जब आप किसी भी डिफरेंट क्लाउड में टेस्टिंग को परफॉर्म करते हो इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन? देखो मैंने सबसे ज्यादा काम एक्सपीरियंस क्लाउड पे किया है, तो मैं आपको एक्सपीरियंस क्लाउड से स्टार्ट करूंगा, देन मैं सेल्स पे भी कवर करूंगा। जब भी आप एक्सपीरियंस क्लाउड पे काम करोगे, आपका एक ओपन फेस लाइक फ्रंट एंड होता है, जहाँ पे आपका पब्लिक पब्लिक पोर्टल कह सकते हैं उसको, पब्लिक पोर्टल होता है जो एंड यूजर्स यूज करते हैं। ठीक आपका है सेल्स फोर्स बैकएंड सेल्स में भी सेम रहने वाला है, सर्विस में भी सेम रहने वाला है, एक्सपीरियंस में भी सेम रहने वाला है। बैकएंड की हम बात बाद में करेंगे। ठीक है एक्सपीरियंस में जब आपका पब्लिक पोर्टल होता है, वहां पे चीजें हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होती है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे को लगा था कि ये तो कम्प्लीटली न्यू है। रीजन बीइंग, आपको HTML वाली चीजें नहीं मिलेंगी जो आप किसी दूसरी एप्लीकेशन में सोच रहे हो। सेल्स फोर्स का खुद का कस्टमाइजेशन होता है। प्लस वन थिंग, जो डेवलपर्स भी होते हैं वो भी कोई HTML वाली चीज नहीं करते, UI सेट नहीं करते, वो डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में होते हैं, पॉइंट एंड क्लिक होता है, वो खुद से सेट करके देता है। ठीक है, तो आपको उस चीजों को हैंडल करना आना चाहिए। आपको डायनेमिक ही, आप कितना डायनेमिक बना सकते हो, आप कितना रीयूजेबिलिटी कर सकते हो। आप अगर एक फॉर्म फिल मोस्टली अगर आप एक फॉर्म फिल करा रहे हो, आपने अगर फॉर्म फिल कराया है, तो फॉर्म फिल कराते टाइम पे आपकी कितनी रीयूजेबिलिटी करा सकते हो, आप कितना आप उन कोड्स को रीयूज करा सकते हो, आपने जो अपने फंक्शंस बनाए हैं वो कितना रीयूज करा सकते हो, वो चीजें हमें करानी होती है। स्टार्टिंग में मैं नहीं कराता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं नहीं कराता था। मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स बनाता था, मेरे को पता नहीं था कि कैसे कराना होता है। बट जैसे जैसे मैं लर्न करता गया, इवन दो आई एम लर्नर, अभी भी मैं लर्नर हूँ, जैसे जैसे मैं लर्न करता गया, मेरे को पता चला कि आप टेबल टेबल फॉर्मेट में आप चीजें फिल करा सकते हो, आप एक जेनरिक मेथड बना सकते हो जिसमें आप इफ एल्स लगा के आप सारी चीजें हैंडल करा सकते हो, आप ड्रॉप डाउन भी हैंडल करा सकते हो, आप टेक्स्ट भी हैंडल करा सकते हो, आप रेडियो बटन भी हैंडल करा सकते हो, बिकॉज ये सारी चीजें आती हैं। जब भी आप अगर आप काउंटी पोर्टल पे या पब्लिक पोर्टल पे काम करोगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें आती हैं जिसपे आपको हैंडल कराना होगा। तो
तो आप एक ही मेथड में आप कैसे चीजें हैंडल करा सकते हो, ये सारी चीजें मैंने लर्न करी थी। सो दीज आर द चैलेंजेस। स्टार्टिंग में मैं हर एक का डिफरेंट स्टेप बना देता था, बट देन वी लर्न। और जब वो लर्न होता है तो आपको पता चलता है कि आप एक जेनरिक मेथड से आप चीजें कैसे हैंडल करा सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स। अब हम बात करते हैं बैकएंड पे। बैकएंड पे भी सेम अप्रोच फॉलो होनी चाहिए। स्टार्टिंग में यही होता है कि अगर आपको कोई भी कॉन्टेक्ट सर्च, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्च करना है, सपोज आपको एक ऑब्जेक्ट सर्च करना है, उसका रिकॉर्ड सर्च करना है, पहले मतलब इनिशियली लेवल पे मैं क्या करता था, मैं उस जाके उसको पब्लिक सर्च में मारता था, सिर्फ रिकॉर्ड का नेम डालता था। अब वहां पे आपको चार लिस्ट, अगर केस किसी अकाउंट से, अगर सेल्सफोर्स की हम टर्म में बात करें तो एक केस किसी ना किसी अकाउंट से लिंक होगा, तो आपको अगर केस ओपन कराना है बट वो फर्स्ट में आपको अकाउंट मिलेगा तो आपका गलत हो जाता था। देन वी हैव अ ड्रॉप डाउन लिस्ट एज वेल। अगर आप ग्लोबल सर्च पे जाओगे, लेफ्ट में आपको ऑप्शन होता है सेलेक्ट करने का, तो आप अपने मेथड जो बनाओगे ऑटोमेशन में, आप उतने डायनामिक बना सकते हो कि आप अपना ऑब्जेक्ट नेम भी पास कराओ जिससे वो आपको यूनिक रिजल्ट देगा। तो इन दिस वे हम अगर ये वाली अप्रोचेस फॉलो करें तो आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा मेंटेनेंस पे। आपकी जो स्क्रिप्टिंग होगी वो टू दी परफेक्ट होगी। आप कुछ को रिकॉर्ड ओपन कराना है, आप जिस रिकॉर्ड पे आप जाके टेस्टिंग कराना चाहते हो वाया ऑटोमेशन, तो ये चीजें आपकी सारी टू द परफेक्ट मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलेगी, रेदर देन कि आप बाहर जा रहे हो, आपका फेल हो गया, आप चेक करा रहे हो क्यों फटा, एक कॉन्टेक्ट और आ गया। कॉन्टेक्ट क्यों आया, क्योंकि भाव उससे रिलेटेड था, तो ऑब्वियसली बात है आप ग्लोबल सर्च पे हर्ड सर्च पे हिट करोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीजें जो मेरे को स्टार्टिंग में आती थी, मैंने लर्न करा, मैंने फिर ओवरकम करा कि हम और कैसे कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम कैसे चीजों को और अच्छे से कर सकते हैं। सो दैट इज द पॉइंट मेरे को पता चला कि आप डिफरेंट टू डिफरेंट क्राउड में जाते हो तो आपको क्या डिफिकल्टीज आती है और कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। नोटेड नोटेड। एक्सपीरियंस साइड की बात हुई है तो थोड़ा सा और डीप चलते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस साइड की ना एक कह सकते हो कि होता है ना कि वनीला टेस्टिंग जो हमारी होती है मोबाइल वेब में, जो वेब एप्लीकेशन में वैसे ही फील होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सिंपल रखते हैं कि किस तरीके से और इसको ईजी करते हैं ऑडियंस के लिए, यूआई ऑटोमेशन पे थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस साइड में यूआई ना बहुत मैटर करते हैं। यूआई में हमारे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज सब कुछ आ गया। इसके लिए हम डिफरेंट एक्सटेंशन भी यूज करते हैं कि अगर मेरे को पूरी वेबसाइट का फॉन्ट फैमिली देखनी है, मैं वर्ड फॉन्ट का एक्सटेंशन करा, डाउनलोड उसको किया, पिन करा और अपना चला के देख लिया, इंस्पेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ निकल आएगा, साइज भी निकल आएगा। बट यूआई ऑटोमेशन में ना क्लाइंट की कभी कभी पोर्टल डिजाइनिंग में कह सकते हो कि इतनी ज्यादा डिमांड होती है ना, इस स्क्रीन पे ये दिखना चाहिए, इस स्क्रीन पे ये दिखना चाहिए, मतलब उसने मार को 5 to 6 रेंजेस दे दी कि मान लो मोबाइल व्यू में 360 से लेकर 767 का पिक्सल दे दिया, इसके अंदर ऐसा दिखना चाहिए, 768 से 997 में ये दिखना चाहिए, 998 से 1199 तक ये दिखना चाहिए, एंड 1200 प्लस में ये दिखना चाहिए। यहाँ पे कुछ चीजें तो सेम होने वाली हैं दिखने का तरीका, बट दिखने के तरीके से ज्यादा जब वो कोई क्लिक करेगा तो हर बार कुछ अलग अलग तरीके से चीजें खुलती हैं हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग। मोबाइल में अलग खुलेगा, मोबाइल में स्क्रोलिंग ज्यादा होगी, वेबसाइट पे स्क्रोलिंग कम होगी साइज के अकॉर्डिंग। तो ये यूआई ऑटोमेशन का पार्ट है, क्योंकि सब चीजें सेम ही है। तो आप यूआई ऑटोमेशन में ये वाला जो चैलेंज है इनको किस तरीके से हैंडल करते थे, क्योंकि ये बहुत एक कॉमन चीज है, तो इसके ऊपर आपने क्या अप्रोच रखी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन एक चैलेंज है जो मैं अपनी पर्सनल में भी देखता हूँ चीजों में, तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? मोबाइल ऑटोमेशन में जो हम यूज करते थे वो एपीएम यूज करते थे, तो वहां पे जब आप टेस्ट करोगे तो एपीएम में आपको हर एक जो जो भी आपको जिस जो फंक्शन आपको चलाना है वो आप डिजायर्ड कैपेबिलिटीज में डलवाओ और उसके अकॉर्डिंग चेक होता है। बट अगेन आप जो फॉन्ट फैमिली की बात करते हो वो आप सीएसएस सेलेक्टर के बिना नहीं टेस्ट करते, आपको यहाँ पे सीएसएस सेलेक्टर लाना ही पड़ेगा जब भी आपको फॉन्ट फैमिली चेक करनी है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सीएसएस सेलेक्टर बहुत डिफिकल्ट है सेल्सफोर्स में, बट जब हम सिर्फ यूआई ऑटोमेशन स्पेसिफिक बात करेंगे तो हमें सीएसएस सेलेक्टर लाना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट सीएसएस सेलेक्टर आप सिर्फ एक्सपर्ट्स और उनके थ्रू यूआई ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं कर सकते। अगर आप फॉन्ट फैमिली की बात करो, आप स्क्रीन रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग बात करो, तो फिर हमें सीएसएस सेलेक्टर लाना पड़ेगा, और सीएसएस सेलेक्टर इज टफेस्ट टू इंक्लूड इन द सेल्सफोर्स। तो जब आप उसको सेल्सफोर्स में जाओगे, आप जब उसको यूज करना स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जब हम नेटिव एप्लीकेशन है सेल्सफोर्स के अपार्ट एप्लीकेशन यूज करते हैं तो बहुत ईजी है, और जब हम उसको एपीएम में यूज करा रहे हैं, हम उसको टेस्ट ऑटोमेशन में या किसी बीडीडी फ्रेमवर्क में यूज करा रहे हैं, तो आपका एक वर्ग तो घुमा घुमा देगा। उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस आता है, जब आप स्क्रीन रिजोल्यूशन के साइजेस में जाते हो, फॉन्ट फैमिलीज के थ्रू जाते हो, तब ही जाके आप इसको सजेशन कर पाओगे। मतलब हमने भी पहले भी जब मैंने एपीएम सीखा नहीं था, मेरे को डाल दिया गया था कि अब आपको ये करना है, तो मेरे लिए भी बहुत टफ चैलेंज था। देन आई गॉट टू नो कि आप सीएसएस सेलेक्टर्स को कैसे यूज करा सकते हो उसमें एपीएम में, कैसे आप काम करा सकते हो, तो फिर देन आई यूज सीएसएस सेलेक्टर। सीएसएस सेलेक्टर का पूरा मैंने लर्न किया, सेल्सफोर्स के साथ आप कैसे उसको कंपेटेबल बिठा सकते हो, कैसे आपकी कंपेटेबिलिटी बढ़ेगी, उसके थ्रू हमने इसको ओवरकम कर स्टार्ट किया, तो मैंने इसको शुरू किया था। परफेक्ट है।
अब इसी में ना दौरा थोड़ा सा हो जाता है, यूआई ऑटोमेशन की बात आ गई, अब हम एपीआई ऑटोमेशन को तो छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये सबसे मेन गेम है। क्योंकि यूआई पे ना क्या है कि सबका मत एक जैसा ही रहता है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है यूआई पे, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा चीज ऐसी होनी चाहिए थी, दूसरा कहता नहीं ऐसी होनी चाहिए थी, तो ये ना थोड़ा सा डिफर रहता है यूआई में। बट जब बैकएंड की बात करते हैं ना तो आते हैं बोल्ड पॉइंट्स, यार आपने ये अगर बनाया है कुछ अगर एपीआई पोस्टमैन के थ्रू, इसको और थोड़ा साइज इसका कम करो, इसका केएलओसी कम करो। तो ये जो एपीआई ऑटोमेशन में चैलेंजेस आते हैं ना, ये बड़े कह सकते हो कि उस लेवल के आते हैं जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है 2 से 3 साल सिर्फ एपीआई ऑटोमेशन में, जब आपके पास उस पर्टिकुलर चीज का नीच है। तो ये एपीआई ऑटोमेशन के चैलेंजेस क्या आते हैं जो आपको लगता है कि जो आज के टेस्टर को पहले दिन से क्लियर होने चाहिए कि इनको ओवरकम कैसे करना है, मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। देखो, एपीआई ऑटोमेशन जो मैंने स्टार्टिंग करी थी वो दो तरीके से करी थी, मेरे को पता ही नहीं था उस टाइम पे। अभी तो रेस्ट अश्योर्ड आ गया है, हाँ तो रेस्ट बिल्कुल, अश्योर्ड इज वेरी 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 गुड। जब हमने स्टार्ट करी थी तो हमको बताया गया था कि आप ऑटोमेशन से सब कर ही नहीं सकते, माइंड सेट ये सेट कर दिया गया था कि आप ऑटोमेशन से नहीं कर सकते थे। हम पोस्टमैन पे जाते थे, पोस्टमैन तो जावास्क्रिप्ट के कोर्स होते थे, वो हिट होते थे और वहां पे चीजें चेक होती थी। बट एक प्रोजेक्ट ऐसा आया था जहाँ मेरे को बोला गया था कि नहीं, आपको पोस्टमैन पे नहीं करना है। पोस्टमैन इज लाइक ओल्ड, अभी पोस्टमैन पे सारी चीजें हो जाती है, एग्री, लेकिन वो ऑटोमेशन पार्ट नहीं होता, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग पार्ट होता है। उसमें हम एग्जैक्टली ऑटोमेशन कुछ नहीं यूज कर रहे, जावास्क्रिप्ट आप यूज भी कर रहे हो, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन, आप उसको फ्रेमवर्क में नहीं इंक्लूड करा सकते। तो अब अगर मैं बात करूँ कि हमें एपीआई टेस्टिंग करनी है फ्रेमवर्क के थ्रू, आप रेस्ट अश्योर्ड यूज करो, रेस्ट अश्योर्ड में सारी चीजें हैं। मतलब मैंने खुद ने पर्सनल लेवल पे रेस्ट अश्योर्ड यूज किया है, मेरे को एक इंटीग्रेशन, अगर मैं आपको, हम बात करें, हमारे पास टेस्ट रेल है और हमारे पास जीरा पे ही हम जो भी टेस्ट केसेस बनाते हैं वो है। अब मेरे को जो करना था, मेरा जो फ्रेमवर्क है उसको टेस्ट रेल से इंटीग्रेट कराना था। अगर मैं टेस्ट रेल पे कुछ भी अपडेट करा रहा हूँ वो मेरे फ्रेमवर्क में फीचर फाइल में अपडेट हो जाना चाहिए, और बिल्कुल अगर वहां मैं फीचर में कुछ अपडेट करा रहा हूँ तो मेरा टेस्ट रेल पे अपडेट हो जाना चाहिए। वैसा तो वैसा ये वाली चलेगा। चीज पूरी हमने इंटीग्रेट करी थी, करेक्ट करेक्ट, वो ठीक पूरा एपीआई टेस्टिंग रेस्ट अश्योर से हुई थी। है, रेस्ट अश्योर से आप, आपको जितना भी लोड, मतलब जितनी भी एपीआई टेस्टिंग करानी है, आपके पास डेटा आएगा, आपके पास बहुत अच्छे से वे बिल्कुल में असर्शन हो जाते हैं। तो इस वे से आप पूरा, अगर आप उसी सूट में, अगर आप उसी में आप फंक्शनली वाली भी चीजें करा रहे हो, एंड टू एंड टेस्टिंग करा रहे हो, आप एक और फोल्डर बनाओ, उसमें आप रेस्ट अश्योर की केसेस लिखो और वहां पे आप पूरा एंड टू एंड फ्लो एपीआई टेस्टिंग का भी आप करा सकते हो। परफेक्ट है। अब इसी में जब हम यूआई एपीआई के ऊपर हमारा थोड़ा कमांड बन गया, या 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वाले पर्सन के अकॉर्डिंग हम अभी तक ठीक जा रहे हैं, बट जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है ना सेल्स फोर्स टेस्टिंग में, तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन ये होती है यार इसको ना इंटीग्रेशन वाले प्रोजेक्ट में डालते हैं जहाँ से बिलिंग अच्छी आने वाली है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत सिंपल रहता है, चाहे प्रोडक्ट का लो या सर्विस का अगर आप बात करो, तो वहां पर ना इंटीग्रेशन में कभी कभी हमारा एक ऐसा नॉन टेक्निकल क्लाइंट भी हो सकता है जो जिसने सिर्फ ऐसा किया होगा, किसी ने बोला अच्छा ये वाला एक्सटेंशन कर लेता हूँ एपेक्स चेंज से, ये वाले प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर देता हूँ, मैनेज पैकेज वाला कर देता हूँ, तो उसने अपनी ऑर्ग में इतना ज्यादा, मतलब कह सकते हो ना कि चीजें क्रॉस हुई हुई है ना कि पता ही नहीं चल रहा कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है क्यों आ रहा है। डेवलपर्स को पीओसी में इतना टाइम लग रहा है, 3 3 महीने लग गए हैं, तो टेस्टर के लिए तो बहुत ज्यादा मतलब चैलेंज होने वाला है, क्योंकि जब इंटीग्रेशन आता है तो उसके लिए ये भी हो सकता है कि वो आइदर यूनिडायरेक्शनल हो गए या बाई डायरेक्शनल हो गए, कि एक जगह अपडेट हो रहा है दूसरी जगह नहीं होना चाहिए, दूसरा ये हो गया कि एक जगह अपडेट हो रहा है दूसरी जगह भी होना चाहिए, अगर दूसरी जगह में कोई चेंज हुआ तो पहले वाले में भी चेंज होना चाहिए, तो यहाँ से कितने सारे हमारे परमेंटेशन कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। और मान लो जब इंटीग्रेशन की बात करें वेब टू लीड में तो बहुत सिंपल है, वो बहुत सिंपल है, वो तो बेसिक है, बट अगर मैं बात करूं ऐसी जगह जहां पर क्विक अपडेट्स आ रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ लीड्स के थ्रू डेटा, या कोई यूजर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने वाला है, सेल्सफोर्स का पूरा बैकएंड इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वहां पे इंटीग्रेशन बहुत आ गए। तो इस पर्टिकुलर चीज में एज अ सेल्सफोर्स टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि उसको ऑटोमेट करना, बट उसमें चैलेंजेस बहुत आ सकते हैं, कोई कोई चीजें फिजिबल ही नहीं है ऑटोमेट करने के लिए, और कुछ चीजें क्विकली फिजिबल है, और कुछ चीजों के लिए पीओसी इतना लंबा लग रहा है। तो इंटीग्रेशन चैलेंजेस क्या क्या आपको लगता है कि ये हो सकते हैं, और ओवरकम करने के लिए क्या क्या मतलब आपके अकॉर्डिंग सजेशंस हैं जो एज पर योर एक्सपीरियंस आपने सीखे हैं? देखो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज वन ऑफ द मेजर पार्ट जो आपको आता ही है। अगर आप जैसे ही हायर, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ोगे, आपको डालेंगे कि ऑटोमेशन से आपको डेटा हैंडल कराना आना चाहिए, कैसे कैसे डेटा आ रहा है और क्या क्या आ रहा है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे को जब एक इंटीग्रेशन टीम में डाला था, डेटा माइग्रेशन का प्रोजेक्ट था वो, उस डेटा समझ माइग्रेशन में इतना सारा डेटा था कि आप वो हैंडल नहीं करा सकते। एज अ ऑटोमेशन माइंडसेट पहले ये था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट जब आप डीप डाइव करते हो उन चीजों में, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लेवरेज करा सकते हो। आप पूरा डेटा को एक जेसन फॉर्मेट में स्टोर करा सकते हो, जेसन से आप पूरा डेटा असर्ट करा सकते हो,
अब जैसे जैसे काम करना स्टार्ट करोगे, मेरे को, मैं पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, हमको 2 महीने लगे थे सिर्फ उसको समझने में, जैसे आपने बोला कि 3 महीने डेव को लगे थे, ये मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है, जब हमको 2 महीने लगे थे उसको समझने में, हमें एक चीज बिठाने में कि हम इसको इस तरीके से टेस्ट करा सकते हैं। बट जब आप एक उसका पूरा लेवरेज पे बिठा दोगे उसको, जब आपका सिस्टम बैठ जाता है, जब आपका टेस्टिंग एक एक अच्छी स्टेबल हो जाती है, तब आप सबसे बेनिफिशियल होंगे उस क्लाइंट के लिए। रीजन भी, आपका पूरा ऑटोमेशन सूट बैठा हुआ है, आप कोई सा भी डेटा ले आओ, आपने अपने कमांड्स इतने अच्छे से रख रखे हैं कि आपको वो सारा टेस्ट करके देगा, आपका हर एक चीज वेरीफाई करके देगा। इनिशियल लेवल पे टाइम लगेगा, हम डर रहे थे उस टाइम पे, मैं भी डर रहा था, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, मैं डर रहा था कि कैसे होगा, फट जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बट जब वो एंड हुआ ना, तब वो इंटीग्रेशन टीम साइड बाय हो गई थी, हर कोई ये आता था कि ऑटोमेशन टीम को लाओ, बिकॉज उनके कमांड्स इतने एक्यूरेट हैं, उन्होंने पूरी स्क्रिप्टिंग कर रखी है, उन्होंने हर एक चीज वैलिडेट करा रखी है। इनिशियल लेवल पे आपका टाइम लगा, उस टाइम पे हमें ये भी लगा कि ऐसा क्या कर रहे हो आप लोग जो आपका इतना टाइम लग रहा है, डेव से ज्यादा एक बार को आप टाइम ले रहे हो। बट जब वो हुआ ना रंजन, मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक वो लिटरली वो प्रोजेक्ट जब डिलीवर हुआ, तब सिर्फ हमारे को ही बोला गया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन टीम, ऑटोमेशन टीम हैज हैंडल दैट लेवल ऑफ डेटा। और वो डेटा कैसे हैंडल हुआ, आपने जेसन के थ्रू पूरा हैंडल कराया, आपने एक्सेल्स रीड कराई, आपने उन एक्सेल्स को असर्शन कराया, जब वो असर्शन बन के रेडी होता है ना, वो सूट बन के रेडी होता है, तो फिर आपको लगता है कि यस इट्स वर्थ, जब आपने 2 महीने उस पर मेहनत करी, आपको लग रहा था कि नहीं होगा बट वो होता है। तो ये वाली चीज है, अगर आप ऑटोमेशन पे काम करना स्टार्ट करोगे उस चीज पे, जब आप जेसन्स को रीड कराना स्टार्ट करोगे, डेटा कितना भी आ रहा है आपको वो हैंडल कराना आना चाहिए, और जब आप वो हैंडल कराओगे ना, तो वो क्लाइंट भी सेटिस्फेक्शन देता है बाद में। ओके परफेक्ट है। यहीं पे थोड़ा डीप और मैं जाना चाहूंगा। एक्चुअली में क्या, आपने काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर बताया कि पहली बार, मतलब मैंने काफी टाइम से मैं टेस्टर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो जनरली अप्रिसिएशन की बात ना डेवलपमेंट टीम तक ही रह जाती है, टेस्टर तक आती नहीं है। बट यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी चीज हुई है कि वो कम से कम एक अप्रिसिएशन आया, दैट विल एक्चुअली गोना मोटिवेट यू टू यू नो प्रोसीड इन अ वेरी फाइन वे इन फ्यूचर भी। लेकिन ये तो मैंने अभी तक आपके एंड से समझा कि चैलेंजेस क्या आते हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है सेल्स फॉर टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर से जब आप उसका इंटरव्यू लेते हो, तो क्योंकि इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको किन किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए जब आप, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया हूँ एज अ रिज्यूमे लेके और ऑटोमेशन की जॉब के लिए आया हूँ, एंड यू आर द फर्स्ट राउंड कह सकते हो कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप मेरे में क्या ऐसा देखोगे सेल्स फॉर टेस्टिंग की नॉलेज के अलावा? ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि जब हमने भी स्टार्ट किया था, तो आपको बेसिक आना चाहिए। अगर मेरे को किसी का भी सेल्सफोर्स इंटरव्यू लेना है एज ऑटोमेशन इंजीनियर, तो मैं पहली चीज ये दूंगा कि उनको एक्सपायर लिखना आते हैं नहीं आते, उनको सेलिनियम की बेसिक नॉलेज है नहीं है। अगर वो किसी जैसे सपोज करो, अगर आप बीडीडी फ्रेमवर्क भी काम कर रहे हो, आपने रेज्यूमे डाल दिया मैंने बीडीडी फ्रेमवर्क पे काम किया है, तो अगर यहाँ तो आप जावा पे यूज करोगे या पाइथन यूज करोगे, आपको बेसिक नॉलेज तो आनी चाहिए, आपको इफ एल्स आना चाहिए, आपको लूपिंग करना आनी चाहिए। मैं मैप पे तो जा ही नहीं रहा हूँ, मैप आना चाहिए लेकिन हम मैप पे तो जाते ही नहीं है। आपको नेस्टेड स्टेटमेंट्स लिखना आने चाहिए पहली चीज, दूसरी चीज आपको एक्सपाथ बनाना आना चाहिए। एक्सपाथ में भी कैसे कैसे हम एक्सपाथ को यूज करा सकते हैं, किस किस तरीके से अप्रोच करा सकते हैं, वो आनी चाहिए। थर्ड थिंग, सेल्सफोर्स की जो बेसिक कॉन्फिगरेशन पार्ट है, अगर आप सेल्सफोर्स में आ रहे हो तो आपको वो चीजें आनी चाहिए। ऑटोमेशन टर्म में हम बात करें, लोगों को क्लिक एलिमेंट और क्लिक जावास्क्रिप्ट एलिमेंट में डिफरेंस नहीं पता होता, वो सब कुछ लिख लेते हैं लेकिन नहीं पता होता, यूज कर रहे हैं लेकिन क्या डिफरेंस है नहीं पता, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप किसी भी फ्रेमवर्क पे काम करोगे। उन्होंने वो मेरे को बताते हैं कि हमने फ्रेमवर्क पे काम किया है, आपने फ्रेमवर्क पे काम किया मैंने मान लिया, लेकिन अगर आपको एक्सपाथ निकालना नहीं आ रहा, आपका फ्रेमवर्क जेनरिक बना हुआ है, एग्री कि आप कुछ भी डालोगे बन जाएगा, आपको सिर्फ फीचर लिखनी है, बट दैट इज नॉट माई रिक्वायरमेंट। अगर मैं किसी ऑटोमेशन को हायर करूंगा तो उसको बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। उसने रेज्यूमे में लिख दिया कि उसने बीडीडी फ्रेमवर्क पे काम किया, बट आपको अगर लोकेटर फाइंड आउट नहीं करना आते, आपको एक्सपाथ नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि एक्सपाथ एक्सेस क्या होती है, बहुत से लोग अटक जाते हैं एक्सपाथ एक्सेस क्या होती है नहीं पता होता, लेकिन आपने पूरा ऑटोमेशन कर रखा, तो दैट इज माई बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर आप ये सीखोगे तभी आप आगे ग्रो करोगे। आप ये सोचोगे कि मैं डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे जाऊंगा, वो नहीं हो पाता, वो कभी भी नहीं हो पाता, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो दैट इज माई बेसिक, कि अगर आप किसी को भी हायर करोगे, अगर मैं भी जाऊंगा तो मैं ये बेसिक मेरी टर्मिनोलॉजी चेक पॉइंट है वो चेक करके फिर जाऊंगा इंटरव्यू देने। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये तो हो गया कि मतलब अगर आपने, आपकी ये एक्सपेक्टेशन है, बट एक कभी कभी ये भी होता है ना कि हमारे पास जेडी में ये चीज लिखी हुई है और हमारे जो पर्टिकुलर जो कैंडिडेट आ रहा है उसने भी ये चीज को मैच किया हुआ, बट स्टिल ना कभी कभी प्रोजेक्ट्स के मामले में भी ना ऑटोमेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन एक में किया, दूसरे में भी वही चीज लिख दी, बस लाइन घुमा के लिख दी। तो ये वाला किस तरीके से रिज्यूमे में ऑटोमेशन को किस तरीके से सेल्सफोर्स टेस्ट ऑटोमेशन
का इंजीनियर है वो शोकेस कर सकता है उस पर्टिकुलर चीज को, क्योंकि ये एक चैलेंज है। क्योंकि जनरली मतलब मेरे को किसी एक बहुत बड़े मतलब टेस्टर ने, जिनको मैं काफी फॉलो भी कर रहा हूँ, तो उनसे मेरा एक रैंडम कॉन्वर्सेशन हुआ था, तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि गंधर्व ऑटोमेशन का मतलब क्या है, आरओआई से मतलब है ना, कम से कम अपने रिज्यूमे में जो भी ऑटोमेट कर रहे हो एक सर्टेन क्वांटिटी तो लिखिए कि आपने आपके करने से हुआ क्या। तो ये चैलेंज था मेरे लिए समझना उस चीज को। लेकिन आज सेल्स फॉर टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर के चैलेंजेस पे अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस से, तो ये वाले चैलेंज को किस तरीके से मतलब हम अच्छी तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमने किया और इसको करने से बेनिफिट हुआ। अंदर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाओगे, आपको काम ऑटोमेशन करना है। अगर आप सिर्फ एक लाइन लिखोगे तो सामने वाले को लगेगा ठीक है, मैं हाँ चार चार प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, मेरे को काम ऑटोमेशन करना है। हाँ बट आपको अपने पॉइंटर्स गिनवाने हैं, आपने किस चीज पे काम करा, आपने क्या काम करा, आपने क्या चैलेंजेस ओवरकम करे। अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सपोज आपने शॉपिंग कार्ट पे आपने काम किया है, शॉपिंग कार्ट पे आपको चैलेंजेस तो आए होंगे, हर एक प्रोजेक्ट के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस आपने एज ऑटोमेशन भी ओवरकम करे होंगे। पहली चीज तो आपको वो पॉइंटर्स देखने होने चाहिए कि अगर मेरे को शॉपिंग कार्ट पे मैंने करा, मेरे को कार्ट वैलिडेशन कराना था, मेरे को पेमेंट वैलिडेशन कराना था, पेमेंट वैलिडेशन कराना था, कैसे कराया, क्या करा, कैसे करा, जो करा, जो भी आपने करा, एक्सपायरी आपने कुछ भी करा, तो आपको वो चीजें पॉइंटर्स मेंशन करने होंगे। सेकंड प्रोजेक्ट आपने किसी भी हेल्थ केयर डोमेन का करा, अगर आपने हेल्थ केयर डोमेन का करा तो आपने किस चीज पे करा, क्या हेल्थ केयर ऐसी चीजें करी जिससे वो ऑटोमेट हुआ, जिससे आपके प्रोजेक्ट को हेल्पफुल हुआ। अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हो तो दैट मीन्स आप प्रोजेक्ट को हेल्पफुल कुछ तो आप कर रहे हो, तभी तो आपको लाया गया ऑटोमेशन में, तो वो चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। सिर्फ आप एक पॉइंट लिखोगे कि मैंने ये चीज ऑटोमेट करी, वो हर कोई कर लेगा, बट आपने क्या कॉन्ट्रीब्यूट करा एज अ पर्सन उस प्रोजेक्ट में, वो चीजें मेंशन करनी बहुत जरूरी है गंदर। बिकॉज मैंने देखा है जब भी आप रिज्यूमे आते हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि एक लाइन आती है, दैट इज हाँ नॉट एक लाइन, आपने काम करा है तो आपको पता होता है कि आपने कितना काम करा है और आपने क्या क्या काम करा है। क्योंकि तो अगर कोई काम करते हैं तो उसको चैलेंज आएंगे, बिना चैलेंज के काम होता नहीं है प्रोजेक्ट पे। तो वो ट्रू पॉइंटर्स आप बुलेट पॉइंट्स बनाओ उसको, आप जैसे पॉइंट करा आपने, जैसे करा मैंने पेमेंट वैलिडेशन कराया, पेमेंट वैलिडेशन में क्या क्या चीजें कराया आप वो कराओ, हेल्थ केयर डोमेन में आपने काम कराया, अपने पेशेंट्स से रिलेटेड डेटा को हैंडल कराया, अपने पेशेंट्स पोर्टल को हैंडल को वो कराया, तो आप वो पॉइंट बना के लिख सकते हो, जिससे सामने वाले को रहेगा कि हाँ इसने काम कर रहा है, तो वो उसके लिए भी इजी होगा समझने के लिए। अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ इसने इस पे काम कर रहा है, तो मैं क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। सिर्फ एक चीज लिख दूंगा कि मैंने ये पोर्टल ऑटोमेट कराया, वो हमारा काम है, वो सब जगह करेंगे, लेकिन आपने क्या स्पेसिफिकली एक एज ए इंडिविजुअल आपने क्या कॉन्ट्रीब्यूट करा उसमें, एज ए टीम आपने क्या कॉन्ट्रीब्यूट करा, आपके ऑटोमेशन टीम ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट करा, तो वो पॉइंटर्स हम देख सकते हैं। अब इसी में ना थोड़ा सा और डिटेल में मैं जाऊंगा। जनरली क्या होता है कि हम एक्सपाथ की बात करते हैं ना, तो एक्सपाथ निकालना एक अपने अपने एक बड़ी चीज है। कोई ऐसा नहीं है कि, क्योंकि डायनामिक है वो, मार्कअप लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। हम मार्कअप लैंग्वेज को सिर्फ कॉलेज लेवल पे पढ़ के छोड़ के आ चुके हैं, लेकिन उसका रेलेवेंस एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर आज पता चल रहा है कि वो एक बहुत तगड़ी चीज है जिसको हमने शायद लेफ्ट आउट कर दिया है। वो चीज का नॉलेज हो गया, बट आज के टाइम पे ना एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ क्विक सॉल्यूशन, क्योंकि टाइम कम है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज भी करनी है और डिलीवरी भी फास्ट है। तो जनरली जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस भी हमने किया था कि कि जब हम फॉन्ट फैमिली की बात करते तो व्हाट फॉन्ट को यूज कर लिया, सीएसएस की बात करते थे सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में आपने बता दिया था, इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल वाली जो चीजें आती हैं वो चीज होगी। लेकिन आपके अकॉर्डिंग एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर मुझे किन किन एक्सटेंशंस के ऊपर थोड़ी पकड़ होनी चाहिए एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर सेल्सफोर्स में, कि वो एक्सटेंशंस कौन कौन से हैं जो मेरे काम को और इजी रख सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऑटोमेशन करने में चैलेंज आ रहा है, टाइम लग रहा है, पीओसी ज्यादा हो रही है तो टाइम लग रहा है, तो उस चीज को मैं किस तरीके से वाया एक्सटेंशन जो आप रिकमेंड करोगे कि इनके बारे में सेल्स फॉर टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर को नॉलेज होनी चाहिए? देखो एक एक्सटेंशन है वो सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर, सबके लिए बिल्कुल होता है, वो हर कोई यूज करता है। उसके अलावा आप एक्सटेंशन पे नहीं भी जाओगे तो आपके पास वर्क बेंच है सेल्सफोर्स में इनबिल्ट, आप वर्क बेंच पे जाके काम करा सकते हो। अब मैंने मतलब मैंने लिटरली पर्सनली सिर्फ दो ही एक्सटेंशन यूज किए हैं मेरी आज तक लाइफ में, वर्क बेंच सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर। रीजन बींग वर्क बेंच आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, लोग यूज नहीं करते, लोग क्विक सोल्यूशन पे जाते हैं, आपके पास वर्क बेंच में सारी चीजें हैं, आप वहां पे हर एक चीज करा सकते हो, जो भी आपको क्विक चाहिए। आप सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर फर्स्ट थिंग वर्क बेंच पे जाओ, वर्क बेंच में आपको हर एक चीज मिल जाएगी, आपको किसी भी चीज को, जैसे मेरे को सोप ऑटोमेट कराना था और सोप ऑटोमेट कराना था, तो मैंने सारी चीजें वर्क बेंच पे करी। मेरे को अगर क्वेरी भी हिट करनी है मैं वर्क बेंच पे जाके हिट करता था, मेरे को बहुत क्विक सोल्यूशन मिलता था। तो रेदर देन गोइंग फॉर द एक्सटेंशन, आप बहुत सारे मार्केट में हैं अभी, आप कर सकते हो, बट अगर मैं मेरे पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो वर्क बेंच सबसे बढ़िया चीज है। अब उसको लोगों ने उसको थोड़ा सा आउटडेटेड कर दिया है कि लोग यूज नहीं करते आजकल, बट अगर आप जाके उसको यूज करोगे तो बहुत अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर इटसेल्फ,
वो बहुत कॉमन भी है आई थिंक, वो को उसको भी यूज करना नहीं आता, सिर्फ डेटा एक्सपोर्ट और सिर्फ शो ऑल डेटा के लिए यूज करते हैं। वहां पे आप इम्पोर्ट डेटा करा सकते हो, एक्सपोर्ट डेटा करा सकते हो, 7-8 चीजें हैं, आप जब एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा। तो और भी नए नए हैं, लाइक आई पर्सनली आई यूज टू, जिससे मेरा ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई थी, बट अभी नए भी हैं तो आप वो भी यूज करा सकते हो। परफेक्ट है। वर्क बेंच आई वुड सजेस्ट कि वर्क बेंच यूज करो। थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग द वर्कबेंच पार्ट। वो काफी ज्यादा लोगों ने अंडरडॉग की तरह भी उसको एक चीज रखा हुआ है कि उन्होंने देख लेंगे, क्योंकि जब हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट की बात करते हैं अपनी ओर्ग में बड़े सारे डेटा के, बल्क डेटा में, तो डेटा लोडर डॉट आईओ पे जाके इंटीग्रेट करके कर देते हैं, बट वर्कबेंच के थ्रू भी वो चीज पॉसिबल है जब बैकएंड से कुछ भी आना होता है। ये वाला चीज भी थोड़ा सा और डीप डाउन चलते हैं इसमें। एज पर योर एक्सपीरियंस, अगर 1 to 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस को वाले पर्सन को जो नॉर्मल टू भी फंक्शनल टेस्टिंग कर रहा है ऑटोमेशन में, मतलब फंक्शनल टेस्टिंग कर रहा है सेल्स फोर्स में ऑटोमेशन के लिए जाना चाहता है, करेक्ट वे क्या है उसके लिए रोड मैप के लिए? क्योंकि 3 से 4 वाले को तो कंटेंट है ही अवेलेबल, कोई कोई यूट्यूबर बता ही देगा, कोई गाइड कर देगा मेंटर, बट ये 1 to 2 ईयर वाला जो होता है ना, ये होता है ना कि मेक और ब्रेक वाली गेम है ये, क्योंकि इसमें अगर क्या व्यू रहेगा ऑटोमेशन का। मैं एक पॉइंट मेंशन करूंगा, जो 1 to 2 ईयर होता है ना, वो बेस्ट टाइम होता है जब आप फंक्शनल से या ऑटोमेशन जाती हो। बिकॉज आप फंक्शनल, मैं मानता हूँ कि अगर मेरे को ऑटोमेशन टेस्टिंग आती है, रीजन भी मेरे को फंक्शनल आता है। आप डायरेक्ट ऑटोमेशन में, मैं खुद भी कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप डायरेक्ट फंक्शनल जाओ। अगर आपको ऑटोमेशन जाओ, अगर आपको फंक्शनल की नॉलेज नहीं है ना, आपको ये नहीं पता है ना टेस्टिंग माइंडसेट क्या होता है, टेस्टिंग माइंडसेट टू ब्रेक द थिंग्स। अगर आप सीधा किसी को भी एक ऑटोमेशन में डालोगे ना, वो सीधा आपको पास रिपोर्ट लाके देगा, वो खुश होगा पास रिपोर्ट पे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम एक कलीग था, वो आया और वो खुश हो रहे थे कि हमारी सारी रिपोर्ट पास है। एंड आई वाज लाइक, दैट इज नॉट गुड थिंग। इसमें डेवलपर्स को खुश होना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतना स्टेबल फंक्शन बनाया है। जब आपकी रिपोर्ट ब्रेक हो रही है ना, तब आपको खुश होना चाहिए कि आपका सिस्टम ब्रेक हो रहा है और आप उसको फाइंड आउट कर पा रहे हो। तो वो जब 1 to 2 ईयर्स वाले को एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसको ये पता होता है कि मेरा जो काम है, मेरा सिस्टम ब्रेक करने का काम है, बग्स निकालने का काम है। उसके बाद अगर आप उसको ऑटोमेशन में आना है, तो सबसे पहले जो मैंने बताया कोर, कोर ऑटोमेशन क्या है, आपको एक्सपाथ आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए एक्सपाथ क्या है, क्यों यूज होता है, आपको सेलिनियम की बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, सेलिनियम क्या यूज होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेलिनियम करो, आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें और भी है। जी अगर आप किसी भी जा रहे हो, मैं सिर्फ एज एग्जाम्पल सेलिनियम दे रहा हूँ, आपको सेलिनियम के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए क्या काम कर रहे हैं। डायरेक्टली आप फ्रेमवर्क पे जाओगे, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको बेसिक पता हो जाएगा, ठीक है। फ्रेमवर्क कर लिया आपने, रन करा लिया, आपको बोला, बट जब दिक्कत कहाँ आती है, जब आप वहाँ पे स्क्रिप्टिंग करने लगोगे, जब आपको कोई एक नया फ्लो ऑटोमेट करना है, आपके पास जेनरिक चीजें पड़ी हुई है, आपने कॉपी पेस्ट करा, आपका काम हो गया। ऐसा चीज जो नहीं पड़ी हुई है, फिर आप क्या करोगे, फिर वापस आप उसी चीज पे जाओगे, आपको सेलिनियम सीखना है कि सेलिनियम से कैसे करूंगा, जावा से कैसे चीजें करूंगा। तो रेदर देन गोइंग, आप सीधा फ्रेमवर्क से आप एक्सपाथ जाओ, सीखो, आप सेलिनियम सीखो, सेलिनियम के बाद जावा को उसके साथ कैसे यूज करते हैं वो सीखो, एक क्लास बनाओ, एक क्लास में सारी चीजें यूज करो। देन आपको जब उस पर कमांड आ जाए, फिर आप डिफरेंट सेट्स ऑफ क्लास बनाओ, डिफरेंट सेट्स ऑफ मेथड बनाओ, जेनरिक मेथड बनाओ। ये सिर्फ कोड जावा में करो काम, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ अभी आप फ्रेमवर्क पे जाओ। जब आपको इस चीज पे कमांड हो जाए ना, तब आप जाओ, आप फ्रेमवर्क जो भी आपकी कंपनी में चल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बीडीटी पे जाओ, बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, आपको जब ये क्लियर होगा ना, तो आप फिर किसी भी फ्रेमवर्क पे काम कर लोगे। एक्सवाइजी आपको कोई भी फ्रेमवर्क लगा, आपको पता है कि अल्टीमेटली मेरा काम ये है, उसके बाद फिर फ्रेमवर्क बाद में चीज आती है। तो एटलीस्ट यू शुड नो कि मेरा काम क्या है। फ्रेमवर्क लोग, मैंने देखा है कि फंक्शनल टेस्टर्स आते हैं, मेरे को फ्रेमवर्क शेयर कर दो, आई वाज लाइक, आप फ्रेमवर्क मैं दे दूंगा, आप सीख भी जाओगे 2 दिन में, बट आपको एक्चुअल ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है वो थोड़ी आएगा। तो आपको काम करना पड़ेगा उस पर, तभी आप फ्रेमवर्क पे जाओ। तो दिस इज माई सजेशन, जो भी 1 से 2 ईयर्स में है, बेसिक सीखो, कोर स्ट्रॉन्ग करो। जब आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो आप कोई सा भी फ्रेमवर्क यूज कर लो, कोई सी भी चीज होगी आपको आता होगी वो चीज। आपको सिर्फ फ्रेमवर्क की टर्मिनोलॉजी सीखनी है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि कहाँ पे क्या यूज करना है। अगर आपको बेसिक आता है तो फिर आपको सब आ जाएगा। नोटेड है, तो दिस इज माई सजेशन। ट्रू जय, ये सब चीजें तो बहुत अपने मतलब बोल्ड पॉइंट्स बताए कि ये चीज पता होना चाहिए, ये चीज अगर ऐसे इनपुट आ रहा है तो आउटपुट ये होना चाहिए, प्रोसेसिंग आपको मेन पता होना चाहिए सबसे बड़ी टेस्टर की है, और एंड टू एंड गोल पता होना चाहिए। बट जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं ना, तो प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना इंटरनल जब हमारी कॉल होती है क्लाइंट में ना, या क्लाइंट के पास नए आपको हायरिंग के लिए भेज रहे हैं या आपको एलोकेट कर रहे हैं, तो क्लाइंट इंटरव्यूज में ना वो काफी चीजें ऑटोमेशन को लेकर पूछते हैं, अच्छा ये चैलेंज है, इसको कैसे किया, क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशन है एक सेल्स फोर्स के टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर से आज के टाइम पे, क्योंकि वो भी एक चैलेंज है मेरे लिए ना, क्योंकि मैं उसको नहीं जानता हूँ, और लेकिन क्या पता वो बहुत बड़ा एक बिग प्लेयर हो मार्केट में जो बहुत अंडरडॉग है,
और वो उससे बात करना, और हमारे काउंटर्स भी हो सकते हैं, बातों में मिसमैच भी हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो वो चैलेंज क्या है जब अब मैं क्लाइंट को इंटरव्यू देने जा रहा हूँ ऑटोमेशन लेवल पे? देखो सबसे बड़ी चीज होती है ना, लोगों को आजकल ये लगता है कि ऑटोमेशन का जो रोल आता है, डेवलपमेंट हुआ, हाँ डीएनए ये आया, डीएनए सारी पूरी प्लानिंग वगैरह बता दी, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, फंक्शनल टेस्टिंग हुई, उसके बाद ऑटोमेशन रोल में आता है। ऐसा बिल्कुल गलत है। ऑटोमेशन रोल में आपका बीए के साथ साथ आता है। अगर जब भी आप बीए के साथ कॉल जा रहे हो, अगर आपका फंक्शनल क्यूए कॉल जा रहा है, तो ऑटोमेशन को भी जाना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आपको पता नहीं होगा कि प्रोजेक्ट की कोर अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप सिर्फ फंक्शनल क्यूए के एंड टू एंड टेस्ट केसेस पे नहीं डिपेंड हो सकते। क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर आप किसी चीज को ऑटोमेट कर रहे हो, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, उसके रिग्रेशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोस क्या क्या है, क्या क्या चीजें रिग्रेस हो सकती है। हम सिर्फ एंड टू एंड पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमको पूरी एंड टू एंड नॉलेज होनी चाहिए प्रोजेक्ट की, फ्रॉम डीए लेवल टू कि क्या डिलीवर होने वाला है, वो सारी चीजें हमें पता होगी, तभी जाके हमें पता चलेगा कि ये होने वाला है, ये चीजें, और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन यही होती है। हम जो बेसिकली बेसिकली जो गलती ये होती है कि आप ऑटोमेशन टेस्टिंग को लाते हो, फंक्शनल टेस्टिंग हो गई, अब आपके पास ये चीजें पड़ी हुई है, अब आप इसको ऑटोमेट कर दो। नहीं, आप जाओ फंक्शनल टेस्टर जिस दिन से काम करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसी दिन पे भी आपको जाना चाहिए। बीए से कॉल सिर्फ फंक्शनल टेस्टर लेते हैं, ये क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन नहीं होती। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अगर वहाँ पे एक फंक्शनल का बंदा है, तो एक ऑटोमेशन का भी बंदा होना चाहिए, क्योंकि दोनों उनकी टर्म्स में दोनों एक, उसको रिग्रेशन, ऑटोमेशन का रोल सिर्फ रोल आता है कि रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग तब करेगा जब उसको पूरी नॉलेज होगी प्रोजेक्ट की। जी आप सिर्फ फंक्शनल, कहीं ना कहीं पॉइंटर्स मिस हो जाते हैं, फंक्शनल टेस्टर भी एंड टू एंड टेस्ट केसेस लिखेंगे, बट आप फिर डिपेंड हो जाते हो सिर्फ फंक्शनल टेस्टर पे कि ये एंड टू एंड टेस्ट केसेस है, हमको ये ऑटोमेट कराना है। अगर आपको प्रोजेक्ट की नॉलेज नहीं है, आपको स्टोरी लेवल पे नॉलेज नहीं है, तो फिर आप उस लेवल का काम नहीं कर पाओगे। और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमको उस लेवल का काम चाहिए। अगर आपको हम ऑटोमेशन को गा रहे हैं, तो हमें जो फंक्शनल टीम काम कर रही है उससे एक लेवल अप चाहिए, क्योंकि फंक्शनल टीम मिस कर सकती है। फंक्शनल टीम कहीं ना कहीं आपको बेसिक करके देगी, लेकिन ऑटोमेशन टीम का क्या काम है, आपके पूरे सिस्टम का रिग्रेशन करना। तो जी ऑटोमेशन को लाइव ले रहे हैं कि जो फंक्शनल थे मिस हो गए, वो ऑटोमेशन में कैच है। सेकंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी में मान सकता हूँ, टेस्टिंग मान सकता हूँ, अगर फर्स्ट में मिस हुआ तो सेकंड में आपका मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये माइंडसेट हमें हटाना चाहिए कि एंड टू एंड टेस्ट केसेस मिलेंगे और हम काम करेंगे और फिर हम ऑटोमेट करेंगे। नहीं, आप जिस दिन से डीए क्यूए कॉल होती है, डीए क्यूए कॉल में आप जाओ, आप इंक्लूड हो, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस ये होती है। क्लाइंट चाहता है कि हमको पूरी चीजें जो क्यूए करके देगा, ऑटोमेशन में हमसे एक एक स्टेप और लेवल ऊपर चाहिए, एक सिक्योरिटी जो क्वालिटी चाहिए हमें उनसे एक लेवल और ऊपर चाहिए, कि वो हमारे तक तो आनी नहीं चाहिए क्वालिटी ब्रेक। अगर आप टू लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, टू लेवल्स ऑफ क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, फंक्शनल लेवल फर्स्ट लेयर फर्स्ट है डेफिनेटली, सेकंड लेयर में हो रही है, तो थर्ड लेयर पे जानी नहीं चाहिए बात। तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस ये रहती है। नॉट इट। जय, अभी तक आपने काफी सारी चीजें बताई कि गंधर्व, मैं ये देखता हूँ एक ऑटोमेशन इंजीनियर में, मेरे को शॉर्टकट बिल्कुल पसंद नहीं है, क्विक सॉल्यूशन में कभी मैं फंसूं ना, गा भी नहीं होना, कभी किसी को बोलूंगा कि ये करो, डिटेल में जाओ, डीप जाओ जितना हो सकते हैं, रूट कॉज एनालिसिस पे फोकस करो। लेकिन रूट कॉज पे जाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा मुझे मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेल्स फोर्स दो भागों में डिवाइड है, फर्स्ट वन इज योर कॉन्फिगरेशन एंड सेकंड इज योर कस्टमाइजेशन। कॉन्फिगरेशन एडमिन पार्ट, कस्टमाइजेशन डेवलपमेंट पार्ट। ऑटोमेशन इंजीनियर कहाँ आएगा? कस्टमाइजेशन पे पहले फोकस करे कि कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करे ऑटोमेट करने के लिए चीजों को? इस पे आपका क्या गोल है, क्योंकि तो दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों एक दूसरे से लिंक भी हैं, तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। बंदर, अगर आप जब भी सेल्स फोर्स की बात करोगे, आप सेल्स फोर्स में जब भी आओगे, पहली चीज आपको बोली जाती है कि पहले आप जितना आपका काम हो सकता है पॉइंट एंड क्लिक से आप उस पे जाओ, नेक्स्ट जाओ कस्टमाइजेशन पे। ठीक है, तो मैं भी सेम सेम फॉलो करता हूँ। आप कॉन्फिगर पार्ट जितना ट्राई कर सकते हो, पहले आपको सबसे पहले कॉन्फिगर बेस लेवल कॉन्फिगर पे आता है, आपको कॉन्फिगरेशन आती है, आपको चीजें ऑटोमेट करना आती है, आपको परमिशन सेट पे खेलना आता है, आपको यूजर लेवल प्रोफाइल लेवल पे चीजें करना आती है, पहले आप उसको कवर करो, देन ओनली यू कैन गो फॉर द कस्टमाइजेशन पार्ट। क्योंकि अगर आपको वो चीजें नहीं पता होगी, आप कैसे उसको ऑटोमेट करोगे, ऑटोमेट करने से पहले भी आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आज अगर मैं ऑटोमेशन सेल्स फोर्स ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ, सेल्स फोर्स टेस्ट ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को सेल्स फोर्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, मेरे को पता होनी चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या होता है, मेरे को पता होना चाहिए कि परमिशन सेट पर क्या काम है, यूजर प्रोफाइल पर क्या क्या काम है। अगर मेरे को ये पता होना चाहिए कि वर्क फ्लोस कैसे लिखे जाते हैं, बेसिक लेवल का आइडिया होना चाहिए आपको, लिखना आना नहीं आना, ठीक है, टेस्टर नहीं जाता इतना डीप है, बट एज ए टेस्ट ऑटोमेशन की बात करूँ, मेरे को सारी बेसिक जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है आपको आनी चाहिए।
उसके बाद फिर आप कस्टमाइजेशन पे जाओगे। कस्टमाइजेशन पे सेल्सफोर्स ऑटोमेशन का क्या में होता है कि कैसे आप उन चीजों को ऑटोमेट करोगे। आपको डेवलपमेंट नहीं सीखना अगर आप डेवलपमेंट में नहीं जाना चाहते हो, कोई जाना चाहता है तो वो उनकी अपनी इच्छा है, बट अगर आपको सिर्फ कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको करना आना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द कस्टमाइजेशन। उसमें आप अपने आप को बेटर, जैसे आपने बताया कि लिंक है तो आप स्टेप बाय स्टेप से दोगे, आप इस लिंक को बिठाओगे तभी आएगा। अगर आप कस्टमाइजेशन पे जा रहे हो फिर आप अटक कस्टमाइजेशन पे जाओगे, आप डेफिनेटली कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे अटकोगे अटकोगे, वहां से जाके फिर आप यहाँ आओगे। रेदर देन आप पहले कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे जानो क्या होता है क्या नहीं होता, तो फिर आप कस्टमाइजेशन पार्ट पे कभी अटकोगे नहीं। ओके, तो मेरा ओपिनियन इस चीज में ये है। परफेक्ट है। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर कॉन्फ़िगरेशन के कौन कौन से टॉपिक्स पर पकड़ होनी चाहिए आपको क्या लगता है, लाइक परमिशन सेट हो गए या किस पर, इसके ऊपर भी मैं आपका व्यू पहले जानना चाहता हूँ, देन मैं आगे प्रोसीड करूँगी। प्रोफाइल लेवल पे आपको चीजें पता होनी चाहिए क्या होता है कैसे हम एक्सेस, सिक्योरिटी लेवल के जो सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं हमें वो जानना चाहिए। प्रोफाइल यू प्रोफाइल रोल्स में क्या एक्चुअल में डिफरेंस होता है, कैसे हम असाइन कराते हैं, बेसिक ये नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस क्लाउड में जब भी आप कोई यूजर बनाते हो एक्सपीरियंस यूजर, तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है, वो कॉन्टेक्ट से बनता है। लोग जाके यूजर्स पे बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमें एक्सपीरियंस यूजर नहीं मिल रहा, आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि वो वाला यूजर बनता कैसे है। वो आप कॉन्टैक्ट बनाओगे देन लॉगिन एज एक्सपीरियंस यूजर करोगे तब आपका यूजर एक्टिव होगा। लोग यूजर बनाते हैं देयर लाइक हमारा लॉगिन एज एक्सपीरियंस आ नहीं रहा, आपने बनाया गलत है। आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, अगर आप उस क्लाउड पे काम कर रहे हो आप उन चीजों पे काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए चीजें कैसे बनती है। परमिशन सेट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ऑटोमेशन साइड, मैंने पहले भी बात करी थी कि अगर आप यहाँ तो आप क्या करोगे, अगर आपको एज अ ऑटोमेशन आपको किसी भी ऑफ पे काम करना है, आपको उसको ऑफ की टेस्टिंग करनी है, आप सबसे शॉर्टकट लॉगिन आईपी रेंजेस 255500 कर दो, वो आपको अलाइट कर देगा, व्हाइटलिस्ट कर दो लॉगिन आईपी। बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती, आप किसी भी और की लॉगिन आईपी व्हाइटलिस्ट नहीं कर सकते। तो आपको परमिशन सेट का आइडिया होना चाहिए। आपको एमएफए आप जाके प्रोफाइल लेवल पे एमएफए हटा देते हो, दैट इज रॉन्ग थिंग। आप प्रोफाइल आप सिर्फ सिंगल यूजर थोड़ी हो प्रोफाइल के, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रोफाइल इज नॉट फॉर जस्ट अ सिंगल यूजर, मेरा यूजर नहीं है वहाँ पे। आपको परमिशन सेट में वो चीजें सारी एक्सेस देने होंगी, और जितने भी आपको सारी चीजें चाहिए आप एक परमिशन सेट बनाओ, उस पर्टिकुलर यूजर को वो सारी एक्सेस रिमूव करानी है, आपको आईपी हटवानी है, आपको एमएफए हटवाना है, वो चीजें आप परमिशन सेट में। अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आओगी तो आप डेव के पास भागोगे कि प्लीज ये करके दे दो प्लीज ये करके दे दो। तो एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर एज अ टेस्ट ऑटोमेशन आपको ये चीजें आनी चाहिए जिससे आप डेव पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आपको खुद को आती है, आप खुद जाओगे मेरा एक यूजर बना के दे दो बाकी काम मेरा है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ परमिशन सेट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल जिसको आप प्रिंसिपल के मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में पता होना चाहिए, तो ये होना चाहिए मेरा ये एक छोटा सा मैं भी एक पॉइंट ऐड करूँ। जब मैं सेल्स फोर्स की ओर्ग पे जाता हूँ ना, तो सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि सेल्स फोर्स का हार्ट जो है ना, जो उस ओर्ग का हार्ट होता है वो होता है उसका सेटअप, वो जो गियर आइकन है ना, अगर आपका उसके ऊपर कंट्रोल है पूरा, यू कैन डू एनीथिंग। आप कह सकते हो कि आपने एक की ऑन कीन ऑब्जर्वर हो, पता है आपको आईपी मतलब आपको शॉर्टकट्स भी पता होना चाहिए। जनरली हमें क्या पता होता है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वहां जाना, ग्लोबल सर्च वर्सेस लोकल सर्च क्विक फाइंड का डिफरेंस नहीं पता, तो क्विक फाइंड के भी आपको पता होना चाहिए कि यूजर में जाके अगर मुझे परमिशन किसी को देनी है या यूजर्स देखने हैं ओके अपने, तो यूजर जब मैं क्विक फाइंड में डालूंगा तो कौन से वाले यूजर मैनेजमेंट पे जाना है, यूजर्स पे जाना है, इन सब लेवल की आपको पकड़ होनी चाहिए। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी ऐसे एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ सेटअप चीजें हुई हैं, तो आपको उनके भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है। आप ये तो कह देंगे कि स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट वो होते क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट लेवल पे क्या होगा वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे किस प्रोजेक्ट में लीड को प्रोस्पेक्ट के थ्रू ट्रीट करते हैं और कहीं पे इंडिपेंडेंट एक कस्टमाइजेशन ऑब्जेक्ट प्रोस्पेक्ट भी बनाया जाता है, तो इन चीजों के ऊपर होना चाहिए। सो थोड़ा सा मैं और करता हूँ, क्योंकि अब हम ऑटोमेशन चैलेंजेस के ऊपर हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि चैलेंज सबसे बड़ा प्रैक्टिस को लेके आता है कि मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा ये कैसे करूंगा, तो सेल्सफोर्स टेस्ट ऑटोमेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी मैं आपसे एक बार जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बताया था कि मैंने ऐसे स्टार्ट किया या यू वे में किया, तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहूंगा। आप ट्रेल हेड पे जाओ, वहां से एक और बनाओ, डेवलपर और बनती है आपकी, फ्री देता है आपको, ठीक है। डेवलपर ऑफ पे जाओ, आपको नहीं करना परमिशन सेट स्टार्टिंग में, आप वाइटलेस करो, आपकी और गए वो, आपकी खुद की और गए। मैं अभी तक मैंने जो मेरी फर्स्ट ऑफ बनाई है अभी भी मैं कहीं पे भी अटकता हूँ कि यार ये नहीं हो रहा ऐसे नहीं हो रहा, मैं मेरी डेवलपर और ओपन करता हूँ। मैंने मेरा एक फ्रेमवर्क नहीं बोलूंगा, मैंने वही जावा की क्लासेस वाला अभी भी संभाल रखा है मेरे पास, मैं उन पे जाता हूँ, मैं मेरे
जो भी मेरे को बेसिक जिस भी चीज पर अटक रही थी, क्योंकि आपके वहां पे चीजें अवेलेबल होती हैं, आप सेल्सफोर्स बैकएंड पे जाके जो भी आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको काम करना है या किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको ऑटोमेट करना है, आप वो वहां पे बनाओ। कस्टम बनाना है कस्टम बना दो मिनट का काम लगेगा, खुद का बना के आप उन चीजों पे जाके अपना काम करो। आपको जो भी बेसिक सीखना है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे सीखना है, मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने पहला जो मेरा फ्लो बनाया था सेल्सफोर्स में, मैंने वो कॉन्टेक्ट बनाया था, अकाउंट बनाया था, अकाउंट से कॉन्टेक्ट को लिंक करना सीखा था। तो उसमें अगर बेसिक किसी को भी स्टार्ट करना है, आप कोई सा भी एक फ्लो उठा लो, एक ऑब्जेक्ट उठा लो जो रिलेटेड हो एक दूसरे के, जिससे आपको लुकअप का आइडिया हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग अटक जाते हैं लुकअप, क्योंकि लुकअप कैसे ऐड होंगे, वो सर्च नहीं हो रहा है। तो किसी भी आप बेसिक पे जाओगे तो आपको चीजें आ जाएंगी, जब भी आप बेसिक चीजों पे जाओगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव फॉलोड, जो मैंने मेरी लाइक अर्ली स्टेज में फॉलो करा था। मैं गया था, मैंने एक कॉन्टेक्ट बनाया था, अकाउंट लुकअप वाली चीजें सर्च करी थी, पिक लिस्ट ऐड करना स्टार्ट करी थी। टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट जो बेस्ट अप्रोच होगी, आपका डेवलपर और गए, आप उस पर जाओ, आप उसके अराउंड कुछ भी प्ले कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल चीजें हैं। तो दिस इज माय सजेशन, अगर किसी को भी स्टार्ट करना है सेल्सफोर्स पे जाओ, डेवलपर और बनाओ, उस पर आप काम करना स्टार्ट करो, आप चीजें एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अभी तक टच भी नहीं हुए हैं, आई डोंट थिंक कि टच हुए होंगे, आप जाके उनको एक्सप्लोर करोगे, उनको जेनरिक वे में बनाने का ट्राई करो। अगर आप कॉन्टेक्ट पे सेम चीज कर पा रहे हो तो सेम चीज आपके लीड वाले ऑब्जेक्ट पे भी फिल होनी चाहिए। आपके लिए नए एक पाथ सीखने की जरूरत नहीं है, आपको डायनेमिक इतना डायनेमिक पाथ होना चाहिए कि मैं एक वैल्यू पास करा रहा हूँ, सिर्फ मेरे को वैल्यू और फील्ड नेम पास करानी है, बाकी मेरे को कुछ चेंज नहीं कराना। तो ये चीजें, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी। जब हम डेवलपमेंट परसेप्शन से थोड़ा सा बात करते हैं ना, तो होता है कि सुपरवाइजर्स कितने हैं आपके, क्योंकि वो भी एक तरीके का क्रेडेंशियल ही है आपका ट्रेलेड में। सेल्सफोर्स टच ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए सुपर बैजेस एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट ही होता है मेरी नजर में, तो क्या वो वहां से भी ऑटोमेट करना स्टार्ट कर सकता है एज पर योर एक्सपीरियंस? देखो, सुपर बैजेस ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी टर्म है, मेरे खुद के दो सुपर बैजेस हैं, मैंने दो करे हैं। जब आप उसपे स्टार्ट करना करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज है। आपका माइंडसेट सिर्फ उस टाइम पे, अगर आप टेस्ट ऑटोमेशन के माइंडसेट से जाओगे ना, पहले तो आप उन सुपर बैजेस को कंप्लीट करोगे, देन यू हैव टू स्टार्ट। आपको उस वे में सोचना पड़ेगा कि ठीक है, ये काम कर दिया मैंने, अब मैं इसको ऑटोमेट कैसे करूंगा। तो जब आप उसको ऑटोमेट करने जाओगे ना, तब आपको चैलेंजेस पता चलेंगे कि कितना चैलेंज आएगा, क्या क्या चैलेंज आएगा, इस चीज को कहाँ से ओवरकम करोगे। तो आपको आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएंगे कि नहीं यार, अभी अभी अगर आप सीधा फ्रेमवर्क पे जाओगे, आप उसको नहीं करा पाओगे, पर जब आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, जब आपकी बेसिक चीजें स्ट्रांग होगी, आपको पता होगा कि नहीं, मेरे को पेकलिस्ट ऐसे हैंडल करानी है, मेरे को आई फ्रेम्स ऐसे हैंडल कराने हैं, मेरे को जो रिपोर्ट होती है सेल्सफोर्स की, जो प्रीडिफाइंड रिपोर्ट होती है, उसमें भी बहुत चैलेंज आता है। तो भी पर्सनल मेरे को बहुत चैलेंजिंग लगता है उसको ऑटोमेट कराना। वो वाली चीजें जब आप कराओगे तो आपको पता चलेगा कि इनको कैसे ऑटोमेट करा सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे आई फ्रेम्स होते हैं। जब आप रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड के साथ प्ले करोगे सेल्सफोर्स में, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आई फ्रेम्स कहाँ सबसे ज्यादा होते हैं। रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड, जो मैंने पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस किया, सबसे ज्यादा आई फ्रेम्स होते हैं, सबसे टफ होता है हैंडल करना जब आप उन आई फ्रेम्स। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपको एक आई फ्रेम मिली, आपने स्विच करा दिया, नहीं, आपके अंदर नेस्टेड आई फ्रेम्स होंगे। आप एक आई फ्रेम सर्च कराने जाओगे, आपको 10 आई फ्रेम मिल जाएंगे, एंड यू आर लाइक, ये किसके, मेरे को जो एलिमेंट लोकेट कराना है वो किस आई फ्रेम के अंदर है। तो जब आप सुपर बैजेस को ऑटोमेट कराओगे, आप कंप्लीट करोगे ट्रेन हेड पर्सपेक्टिव, वो बहुत अच्छी चीज है, बट जब आपको ऑटोमेट कराने जाओगे, तब आपको लिटरली एक होता है ना कि एक चैलेंज फील होगा कि अब इसको ऐसे होगा, अब ये कैसे होगा, अब ये कैसे होगा। वहां पे आपके काम आएंगे जो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो आई फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग है, विंडोज कैसे स्विच कराते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है, डैशबोर्ड को कैसे हैंडल कराते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट सुपर बैजेस करने चाहिए, जितने ज्यादा कर सकते हैं ज्यादा करने चाहिए। हाँ, मतलब उसको भी करने का एक तरीका होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही दिन बैठ के मतलब 10-10 इकट्ठे कर लिए, वो पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फंस होंगे। तो उस चीज के ऊपर आप फोरम कम्युनिटी बनी है ट्रेलेट की, वहां पर जाके आप बात भी कर सकते हो। थोड़ा सा और डीप जाना चाहूंगा इस पर्टिकुलर नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुपर बैचेस को लेकर हमने बात कर दी, जिसे मिनी प्रोजेक्ट का नाम देके यू नो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर स्किल इन आर रिज्यूमे एज वेल, वो भी चीज हो गया। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे ना सेल्सफोर्स टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर का जब कह सकते हैं कि सीवी सिलेक्शन का भी प्रोसेस एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि दे आर नाउ राइट नाउ फोकसिंग ऑन द अदर टाइप ऑफ टूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं देख रहा हूँ कि वो मांग रहे हैं कि आपका रिज्यूमे से शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ क्योंकि हमें कैपेडो चाहिए था। तो ये वाला क्या है, मतलब बैलेंसिंग नीड है, क्योंकि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते 2 साल का पर्सन बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो कि मतलब उसे सब कुछ आता है, जो हाथ रखे वो सोना बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना आज के टाइम पे। पहले सेल्सफोर्स एज अ प्लेटफॉर्म अलग चीज है, कॉन्फिगरेशन कस्टमाइजेशन नॉलेज दैट इज प्रीटी इनफ, टेस्टिंग माइंडसेट वेरी वेरी गुड,
बट ना उसके साथ जो ये आप कह सकते हो कि चेरी ऑन द केक वाली जो चीजें आ रही है, लाइक कोपैडो आ गया, और जेंकिंस के ऊपर भी थोड़ा सा पाइपलाइन के ऊपर बात हो रही है आज के टाइम पे कि ये भी चीज होनी चाहिए। उसके बाद आपका नो कोड लो कोड में बोलते हैं कि ट्राइसेंटिस का आ गया या टेस्टिम आ गया, एक्सेल क्यू आ गया, और अन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि पर्सन को कोड ना लिखना पड़े और ऑटोमेट कर दे। तो ये तो चेरी ऑन द केक वाली चीजें हैं। ये एक सेल्स फॉर टेस्ट ऑटोमेशन के लिए ना चैलेंज है कि सीखे तो क्या सीखे। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि आपका क्या व्यू है इसके ऊपर। जो आप जो चीज बोल रहे हो उसको आजकल एक टर्म दे दी गई है, हाइब्रिड क्यूए चाहिए हमें, कि बिल्कुल एक हाइब्रिड हाइब्रिड क्यू। पर्सन चाहिए, हाइब्रिड क्यूए चाहिए, उसको फंक्शनलिटी बेसिक आनी चाहिए, बेसिक हाँ टेस्ट ऑटोमेशन आना चाहिए, बेसिक जो आप टूल्स बता रहे हो मोस्टली आजकल जो मार्केट में टूल्स है वो रिकॉर्ड एंड प्ले वाली चाहिए। हाँ आपको रिकॉर्ड करना है वो अपने आप से कैप्चर करेगा, बट उसमें फिर जो मैंने पर्सनल लेवल पे फेस किया कि दिक्कत ये आ जाती है कि कुछ कुछ चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि आप अटक जाओगे। बिल्कुल फिर है। वहां से निकलने के लिए आपको बेसिक बेसिक कोडिंग, बेसिक आपको एक्सपर्ट फाइंड करना आना चाहिए, बेसिक आपको टर्मिनोलॉजी पता होती है जिससे आप ओवरकम कर पाओगे। अगर आप सीधा नो कोड पे जाओगे आप कैप्चर कर लोगे, दैट इज गुड थिंग, बट वो टूल है, ऑटोमेशन टूल है, वो आपको बाहर नहीं निकल पाएगा आपके प्रोजेक्ट लेवल की कॉम्प्लेक्सिटीज पे। तो उसके लिए आपको बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। तो ये वाली बात हो गई। अब बात करते हैं जेनकिंस। जेनकिंस में अगर अपन बात करने बैठ गए तो वो खुद में बहुत बड़ी चीज है, बट मैं बिल्कुल अगर आपको बेसिक लेवल पर बताऊं, जेनकिंस CI/CD पाइपलाइन है। लोगों को लगता है कि हमने जॉब्स ट्रिगर करी हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, बस इतना सा हाई लेवल पे लोगों को पता होता है। बट जो फर्स्ट थिंग, अगर आपको जेनकिंस सीखना है आपको उसका कॉन्फिगरेशन बहुत अच्छे से सीखना होगा, बहुत बिल्कुल ज्यादा अच्छे से। आप एक बार, मतलब मैं खुद भी जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जेनकिंस पे सीखा था, मैं यार कमाल की चीज है, हम लगाते हैं रिपोर्ट आ जाती है अपने आप। बट जब मैं उस पर डीप डाइव किया, मैंने पहली बार उसका जॉब सेटअप करी, मैं ओके दूसरी बार करने का मैं भूल गया, मैं लिटरली भूल गया, मेरे को हो पता ही सकता नहीं है। है। आपको कमांड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको कैसे CI/CD सेटअप करना है। जब आपको वो कमांड आ जाएगा ना, तब आपको जेनकिंस का पता हो जाएगा, इन एंड आउट पता हो जाएगा कि जेनकिंस क्या है। क्योंकि जेनकिंस बोलने में सबको ऐसा लगता है कि जेनकिंस है, CI/CD है, हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता। बट लोगों को टर्म्स नहीं पता, अंदर होता कैसे है, काम कैसे होता है, आप कैसे जॉब सेटअप करते हो। जेनकिंस में इतने ज्यादा ऑप्शन है, अंदर आपको एक टाइम पे एक रिपोर्ट चाहिए, उसी दिन पे दो रिपोर्ट चाहिए, उसको कितनी बार हाँ एग्जीक्यूट करना है, एक में कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, किस टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, बहुत सारे फीचर्स हैं, लोगों ने अभी तक उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो बिल्कुल जेनकिंस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जो भी टेस्ट ऑटोमेशन में जाना चाहता है जेनकिंस सीखोगे, दैट इज द चेरी ऑन द केक। टेस्टिम, प्रोवर, कोपाडो, कैटलॉन, कैटलॉन भी देता है, मैंने थोड़ा बहुत बेसिक कैटलॉन भी करा है। तो ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड एंड कैप्चर के साथ कर सकते हो। एड ऑन इसमें ये होता है कि आपको अगर आप कहीं अटक रहे हो, सिर्फ रिकॉर्ड एंड प्ले नहीं, आपके पास इनको मैन्युअली भी, अगर आप कोडिंग टर्म में बात करूं तो कोड भी लिख सकते हो आप इस पे। आपको जावास्क्रिप्ट में मिलता है, आपको जावा में मिलता है। तो ये जो हाइब्रिड क्यूए की टर्म्स है, मैं बोलूंगा हाइब्रिड क्यूए जो टेस्ट ऑटोमेशन है, तो वो वहां पे टर्म्स में सारी चीजें उसमें लाया करती है। आपको फंक्शनल नॉलेज है, आपको बेसिक नॉलेज ऑटोमेशन की नॉलेज है, उसके बाद अगर आप ये ले जा रहे हो, और जब आप फिर इन सारी चीजों के साथ एक प्लेट में सर्व करके इंटरव्यू के पास रखोगे, तो वो ओके आपका एक होता है ना, एक वेट बढ़ता है कि ये ट्रू चीजें भी आती है, ये चीजें भी आती है, ये चीजें भी ओके। एंड ये क्वेश्चन लास्ट है जय, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, जब हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, एनी स्पेशल मैसेजेस टू ऑल दोस एस्पायरिंग टेस्ट ऑटोमेशन सेल्स फोर्स में जो करने के लिए रेडी हो रहे हैं, उनके लिए आपका कुछ एनी सजेशन या फीडबैक कि इन पे अगर वो अर्ली स्टेज पे काम कर लेंगे तो उन्हें लॉन्ग रन में सर्वाइवल करना इजी हो जाएगा और थोड़ा सा वो रिसेशन प्रूफ भी रहेंगे। मैं यहाँ पे बहुत बड़ा वर्ड भी यूज कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? अंदर। फर्स्ट थिंग मैं जो भी सजेशन देना चाहूंगा ये देना चाहूंगा कि ऑटोमेशन गुड, टेस्टिंग इज गुड, बट पहले आपको कोर टेस्टिंग की नॉलेज पता होनी चाहिए। टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं हम, टाइम के लिए कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, आपको ऑटोमेशन में जाना है, ऑटोमेशन में भी हमें डिसाइड करना होगा, आप हर जगह नहीं जा सकते, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। आपका खुद का माइंडसेट क्लियर करना चाहिए, आपको एक लैंग्वेज पकड़नी होगी जो लैंग्वेज पर आपको कमांड होगा। उसके बाद आप, आजकल प्ले राइट भी है जो अभी चल रहा है जावास्क्रिप्ट के साथ, बिल्कुल बहुत बहुत ट्रेंडिंग में है। आप प्ले राइट के साथ जाना चाहते हो आप प्ले राइट के साथ जाओ, आप सेलिनियम के साथ जाना चाहते हो आप सेलिनियम के साथ जाओ। बट आपको सबसे पहले बेसिक बेसिक जो नॉलेज है, आपको एक नीव सेट करनी पड़ेगी कि मेरे को ये चीजें आनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि उसके बाद ही आप फ्रेमवर्क पे जाओ, उसके बाद आपका जो मन करे, बहुत से मार्केट में फ्रेमवर्क है, बट आप बेसिक से स्टार्ट करोगे। पहले एक लैंग्वेज पकड़ो, टेस्टिंग की नॉलेज लो, लैंग्वेज पकड़ो, एक्सपर्ट सीखो, लोकेटर सीखो, सेलिनियम जाना चाहिए सेलिनियम में जाओ, प्ले राइट जाना चाहिए प्ले राइट में जाओ। उसके बाद आप जब
एक फ्रेमवर्क के साथ जाओगे तब आप एक रेडी टू होके जाओगे कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं अब किसी भी लैंग्वेज पे कमांड कर सकता हूँ, मैं किसी भी फ्रेमवर्क पे कमांड कर सकता हूँ, रीजन भी मेरे को बेसिक आता है। अगर मेरे को आज बेसिक नहीं आता, मेरे को सिर्फ मैं बीडीडी पे काम करूंगा, मेरे को कोई टेस्ट डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क ला के देगा, मेरे को पता ही नहीं चलेगा ये क्या है क्योंकि मेरे लिए नया है। बट जब आप पूरा रेडी होके जाओगे, आपको एटलीस्ट ठीक है टेस्ट डेटा ड्रिवन वो आपके लिए फ्रेमवर्क नया है, बट आपकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो सारी वही चलेंगी, चाहे कोई सा भी फ्रेमवर्क हो, आपका बेस कभी चेंज नहीं होगा। तो आई एम सजेस्टिंग जो भी आपके व्यूअर्स हैं कि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो टेस्ट ऑटोमेशन में, किसी भी टेस्ट ऑटोमेशन में जाने के लिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक लैंग्वेज पे कमांड, आई एम नॉट सेइंग कि डेवलपर जितनी कमांड, बट एक कमांड होनी चाहिए जिसमें आपको खुद का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई चीज आती है तो मैं ये कर लूंगा। तो यही मेरा सजेशन रहेगा। True. Thank you so much, Jay, for sharing your experience about test automation challenges एक Salesforce sister के perception से. मैं summarize कर देता हूँ आज पूरे podcast हमने क्या किया. हमने journey के बारे में discuss किया कि किस तरीके से आपने early एक कह सकते हो कि अपने career में automation में start कर लिए Salesforce में. Configuration versus customization में जो आपने differences बताए from the perception of a Salesforce test automation engineer वो क्या जरूरी है. और concepts के ऊपर आपने बात बताया किस तरीके से आपको किस चीज को प्रेजेंट करना है, वो भी एक आर्ट है जो प्रैक्टिस से होगी. ऑर्ग का क्या रिलेवेंस है, ये नहीं है कि अकाउंट बना के छोड़ दिया. सुपर बैचेस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ कर दिया. लोकेटर्स, एक्सपाथ, जो उनकी डायनेमिक चीजें हैं, किस तरीके से कंट्रोल होगा. डोम को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अगर आ गया तो सब कुछ आपका पकड़ हो जाएगा. हमने फिर उसके ऊपर बात ये करी कि थोड़ा सा अगर हम बात करें कि क्या मार्केट में इस समय चल रहा है ट्रेंड के अकॉर्डिंग, चेरी ऑन द केक क्या है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आज के सेल्सफोर्स टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर से. सो थैंक यू सो मच जय वंस अगेन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन अबाउट सेल्सफोर्स टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर के जो चैलेंजेस वो रेगुलर बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू.